Okay. शक्तिमान 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 शक्ति 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 शक्तिमान शक्ति हाले दिल तुझको सुनाता दिल लगर ये बोल पाता बाखुदा तुझको है चाहता जा वो हो तेरे संग जो पल बिताता वक्त से मैं वो मांग लाता याद करके मुस्कुराता जा वो हो वो हो मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल है तुम्हारे सामने और वो ये है, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? किया, मैंने भी किया। ये सवाल नहीं है, सवाल ये है, when two atomic orbitals combine they form, ऑप्शन ए वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, थ्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बताओ। पानी दा रंग वेख के अखियां चुहंजू रुड़ दे, अखियां चुहंजू रुड़ दे। What's up? क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? So, केम छो, मजा मचो। आज कैसा रहा आप लोगों का दिन? आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है भैया, एमओटी। सो एमओटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्या बताऊं कि भैया कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लो उससे तो मेरे है ना, सोचो कि उस पे से क्वेश्चन कितने सारे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो तो आज का सेशन शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो आर यू गाइज एक्साइटेड एंड रेडी? जल्दी से बताओ, रेडी स्टडी गो, शैल वी स्टार्ट? आज का सेशन शुरू करें। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होएगा बच्चों। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कई बच्चे पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब बच रहा है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो हम लोग कल में भी परसों में खत्म कर देंगे। मतलब कल और परसों में कोई एक लेक्चर में पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बचा हुआ टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के एमओटी पे फोकस करेंगे, ठीक है? सो चलिए, एमओटी में वी हैव अ क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देना है, आगे हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, ठीक है? सो चलो देखें यहां पर कितने बच्चे आ चुके हैं। लेट्स डू, जरा दिल को थाम लो, नाम लो। अच्छा, यहां चल रहा है? सही बात है, ठीक है, मैं थोड़ा ढीले कर देता हूँ। सो ओके अमेजिंग, पर हमें वो नहीं दिख रहा है ना, तो हम थोड़ा सा इसको कैंसिल करते हैं, फिर से खोलते हैं। सो जरा देखिए कितने बच्चे आ चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि चैट सेक्शन में आपका नाम दिखे तो आ जाओ फटाफट से। कहाँ है? यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, वेयर इज दैट? तो चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अरविंद, अरविंद अरोरा। सो ए आर वी आई एन डी ए आर ओ आर ए, अरविंद अरोरा। लेट्स सी दैट। ओके, सो यहाँ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। ये रहा एमओटी नीट 2022 लाइव चल रहा है, तो देखिए कितने बच्चे यहाँ पर है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, लाइक भी कर देते हैं। ओह, लाइक ठोक दिया मैंने। सो चलो, सो देखें, देखो मैंने अभी लाइक किया, अगर आप लोगों ने देखा हो सेशन को, आई हैव लाइक्ड द सेशन। देखो देखो, दिल जिसका बड़ा होता है लाइक वही करता है, सही है? तो ऐसे करके देखो, ऐसे करके क्लिक करना होता है, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। बहुत सिंपल है लाइक करना, और जिसका दिल बड़ा होता है ना लाइक वही करता है। सो डू लाइक द सेशन, दैट्स वेरी इजी टू डू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो चलो, दिल जिसका बड़ा है वो लाइक करता है, दिल जिसका छोटा है उसमें डिसलाइक का भी दिया हुआ है। देखो कई लोग डिसलाइक भी करते हैं, जिनका दिल छोटा है वो डिसलाइक भी करते हैं। चलो, सो बहुत अच्छी बात है, दिल बड़ा रखने वाले लाइक जरूर करते हैं, वो मैं जानता हूँ, और हमें प्यार करने वालों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके अमेजिंग, तो आज कौन कौन यहाँ पर प्रेजेंट है? खुशबू, ओके, दिनेश, रोहिणी, मोहिनी, ओके, मास्टर, सौम्या,
कौन कौन है जरा देखें, पढ़ लेते हैं, नाम पढ़ लेते हैं। हाँ प्राची, प्राची प्राची क्या हुआ प्राची, तुम तो फेमस हो गई। हाँ तुम मिठाई तो भिजवाई नहीं प्राची, तो प्राची गॉट फेमस एंड प्राची ने मिठाई नहीं भिजवाई है, सो ये गलत बात है। राज ये यहाँ पर आज लड़के भी अच्छी अच्छी फोटो लगा के आया कि कहीं मेरा हमारा नाम आ जाए। नैना, नैना ने तीन तीन फोटो लगा दी, बोले प्राची ने एक लगाई है, मैं तीन फोटो लगाऊंगी, मेरी तीन बार आनी चाहिए नाम, दैट्स रियली अमेजिंग। तो बहुत सारे बच्चे हैं अच्छी अच्छी फोटो लगा के आते हैं, अच्छी बात है ना। हंसता हुआ नूरानी चेहरा नहीं, सो एकदम हंसी एकदम खुशी वाली फोटो लगाओ। और या जैसे कि आर्यन, आर्यन भी है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे हैं, दैट्स रियली अमेजिंग। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं MOT मेरे प्यारे बच्चों। तो देखें यहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट है। अर्चना आज मैं पहले आ गया, पहली बार ऐसा हुआ कि 15 मिनट में पहले आ गया है ना। सो गौरांग, नितिन, मयूर और पंखुड़ी, बलबीर, शिवानी, प्राची, शालुंके और उसके अलावा है अनुराग, जानवी, श्रुति और कौन है टेक्नो, जोशिता, अमेजिंग मेरे प्यारे, आशना गेमिंग, बहुत सारे बच्चे हैं, दैट्स रियली अमेजिंग। तो चलो बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज फटाफट से सेशन को आगे बढ़ाते हैं। MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें आज करना है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना बेसिकली बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे ना तो 2022 के बच्चों को तो करना ही, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। 2021 के बच्चों को तो नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि नीट में MOT क्वेश्चन 100% आएंगे। तो आज मैं पूरी MOT में जितने भी कॉन्सेप्ट है सब करवा दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों किस तरह से क्वेश्चन आते हैं क्या होता है वो भी सब बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आज MOT को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, है ना। लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए इन दैट केस, साथ मतलब मैं आज पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है और बैठ के मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला हमें जारी रखना है। इन दैट केस आपको कॉपी पेन लेके बैठना और मेरे साथ बने रहना है, मज़ा तभी आएगा, ठीक है। सो कॉपी पेन लेके बैठना ताकि हम लोग आज इसको पूरी तरह से कवर कर लें। थैंक यू सो मच। सो आई एम हटा दूं मैं इसको चलो तो हटाते हैं, चलते हैं फटाफट से आगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके अमेजिंग। तो क्वेश्चन आपके सामने था जिसे हमें करना है, तो ये है क्वेश्चन जिसको सोल्व करना है, ठीक है। ABCD चार ऑप्शंस हैं, इसको हम आगे करेंगे, इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। काफी बच्चों को तो आंसर आते ही है। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यस, केमिकल बॉन्डिंग, नीट CBSE 2022 का, यस, नीट CBSE 2022 का ये हमारा आज का टॉपिक है। सो MOT 2021 के बच्चों को भी देखना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज के सेशंस की डिटेल है, ऊपर दो बायो के सेशंस हैं ही, उसके बाद आपके पास एक बायो की जो हमारा असिस्टेंट टीचर है वो भी अपने सेशंस ले रहे हैं कंटिन्यूसली। आज संग्राम शुरू होने वाला था, तो नीट ये वन शॉट करंट इलेक्ट्रिसिटी का संग्राम सेशन फिजिक्स में हुआ था, ये कल से आपका कंटिन्यू होगा। आज एक संग्राम सेशन यहाँ पर भी है, हेलो एल्केन, ये भी आज हम लोग करेंगे, और केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 10 है आज MOT। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, प्रो सब्सक्रिप्शन, वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। 5000 प्लस लाइव क्लासेस, 20 से ज़्यादा टीचर्स, 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन, कंटिन्यू आप लोगों को जो कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए आपको बिल्कुल हमारे जो वेदांतु के टीचर्स हमेशा आपको साथ देते हैं। सो इन दैट केस मेरे प्यारे बच्चों, इसका बेनिफिट क्या है, फुल एक्सेस मिलता है आपको क्लासेस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब मिलता है, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, मास्टर कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, और उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के क्लासेस आप लोग देने हैं मुकाबले। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो हिंदी में भी ऑप्शन है, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में भी ऑप्शन है। सो इन दैट केस मेरे प्यारे बच्चों, 12 महीने के लिए अगर आप सीधे ज्वाइन करते हैं, सो कल तक दशहरा का वो चल रहा था ऑफर, लेकिन अभी वो नहीं है। 2800 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको पूरे ईयरली का फीस है, पूरे साल भर का फीस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ए प्रो कूपन कोड है, फटाफट से जाओ और उसे ज्वाइन कर लो, है ना। सो फाइनली 42,000 रुपये फीस है, बट उसमें 8,400 रुपीज़ डिस्काउंट है आपको, 33,600 रुपीज़ पर ईयर आपको पे करनी है पूरे साल भर की। आप लोग यहाँ पर मंथन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो ये मंथन बैच है, 20% डिस्काउंट है इसमें भी। तो चलिए फटाफट से, मैं इंतजार नहीं कराऊंगा, अब MOT अपन शुरू करते हैं। सो आर यू गाइज एक्साइटेड एंड रेडी, जल्दी से बताओ MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस किस को लगता है यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हमें पढ़ना चाहिए। देखिए कितने लोग हैं, लोग ना कॉपी कॉपी बहुत करते हैं, मतलब इतनी कि क्या बताऊं,
कुछ लोग हैं जो अपने आप को यू नो बड़ा शहनशाह समझते हैं, डायरेक्टर बताते हैं अपने आप को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का, और वो कॉपी इतनी करते हैं, हम जो सेशन करेंगे उसको कॉपी कर लेंगे, फिर दूसरा सेशन करेंगे, घटिया मतलब एक मैंने इसे घटिया जो लोग हैं मैंने जिंदगी में नहीं देखे, दे आर लाइक शेमलेस और लिखते हैं पता नहीं क्या ही क्या ही। चलो छोड़ो कॉपी कैट लोग, क्या बताएं। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं, दो तीन लोगों को छोड़ देना तो ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, सिर्फ दो तीन लोग ही ऐसे हैं जो मतलब इस पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री को स्पेशली अब यूट्यूब में आ गए हैं वो लोग, तो उसको ख़राब किए हमें पूरी तरह से, तो बड़ा बुरा लगता है बट ठीक है क्या कर सकते हैं। चलो केमिकल बॉन्डिंग MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेक्चर नंबर 10, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेट्स स्टार्ट द सेशन मेरे प्यारे बच्चों, आई डोंट गेट यू, नो यू डोंट नीड दैट। चलो तो आगे चलते हैं फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों, तो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लेकिन उससे पहले अपन रीकैप कर लेते हैं लेक्चर नंबर 9 में आपने क्या पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताया था कि अगर आप सिर्फ S और P ऑर्बिटल्स इंक्लूड कर रहे हैं तो तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, SP, SP2 एंड SP3, और अगर आप SP D तो भी तीन तरह के आपको पढ़ाए जाते हैं आपके सिलेबस में, SP3D, SP3D2, SP3D3, ये आपके सिलेबस में है। सो ये हाइब्रिडाइजेशन के यू नो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आपसे सवाल पूछा था कि इस मॉलिक्यूल में बेसिकली कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपको मैंने इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिस जिसको शॉर्ट ट्रिक पढ़नी है जरा आप ध्यान से चेक करना। जरा देखो, अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होएगा, ठीक है, अगर कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, तो ये जो कार्बन है बेसिकली पक्का sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, अगर सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया है, एक डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है और बाकी दोनों सिंगल बॉन्ड है, सो इन दैट केस ये कार्बन जो है बेसिकली वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और अगर कार्बन ने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, ठीक है, इस तरह से, तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, दैट्स इट। तो आप देख लो, अब देखो इस कार्बन ने, ये दोनों कार्बन है बेसिकली डबल बॉन्ड बना के रखा है, तो ये क्या हो गया बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ये कार्बन देखो, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन देखो, इसने डबल बॉन्ड बना के रखा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, ऐसे करके आपको आंसर देना। ये कार्बन देखो, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है ना। अमेजिंग मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, आपसे पूछा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, इनमें से बॉन्ड एंगल किसमें मैक्सिमम होता है, बहुत आसान है इसका जवाब देना और sp इसकी आंसर बनना था। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड में देखें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी अगर ज्योमेट्री देखें, ठीक है, फंडामेंटल ज्योमेट्री देखें तो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री का एंगल होता है। अगर sp हाइब्रिडाइज देखें तो 180 डिग्री, sp3 हाइब्रिडाइज मतलब टेट्राहेड्रल फंडामेंटल होती है, तो इन दैट केस 109 डिग्री या उससे कम का एंगल होता है। और dsp2 देखें तो 90 डिग्री और 120 डिग्री का है ना, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। सो आपसे पूछा मैक्सिमम किस में होगा, तो मैक्सिमम sp में है, 180 डिग्री का। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को इसका आंसर देना था और आप लोगों ने दिया। चलिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT ऐसे नहीं मेरे को आज भी याद है जब हम लोग वहां पढ़ा करते थे स्कूल के अंदर, तो ये टॉपिक पढ़ाया पहली बार MOT तो मतलब कहना नहीं चाहिए पर बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, मजे लेने में अच्छे होते हैं। अभी तो बड़े हो गए, अब नहीं बोलना जी, पर हम बाहर निकल के बस ये जिस दिन पहली बार टॉपिक पढ़ाया था हमारे गुरुजी खुद ही मोटे थे तो बाहर निकल के यही हमारे तो ग्रुप पूरा चालू था MRT है ना, पर करना नहीं चाहिए ऐसा, गलत बात है, पर आई एम सो सॉरी, पर बचपन में की गई गलतियां ऊपर वाला भी माफ कर देता है, नहीं तो वो बचपन था, अभी तो हम बड़े हो गए। सो तुम कर सकते हो, तुम छोटे बच्चे हो तो यू कैन डू दैट, यू नो यू ऑल आर लाइक अ मस्केटियर्स, सो यू कैन डू दैट। चलो तो एक क्वेश्चन में जरा MOT का देख लेते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा और CBSE के अंदर आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और पक्का इस पे से सवाल आता ही आता है ना। सो चलो फटाफट से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन,
तो हमें जानेंगे अभी बेसिकली एमओटी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो दिया किसने। तो देखो ये वो भाई साहब है यंग जनरेशन, लुक एट इट, मतलब अभी तो है नहीं हमारे बीच में, ये फ्रिडरिच हंड हुंड बोलेंगे, फ्रिडरिच हुंड, इसने दिया था। मतलब ये अपने साथी के साथ उनके दोस्त थे, नाम है रॉबर्ट एस मुलिकिन। सो मुलिकिन का नाम और हुंड का नाम सबने सुना होगा, अगर आप लोगों ने वो पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है तो इनका नाम पक्का सुना होगा। आज उनकी फोटोज दिखा रहा हूं, तो आप हुंड रूल पढ़े हो, आई थिंक ये वही है जिसने हुंड रूल भी दिया था और एमओटी में भी पार्टिसिपेट किया था, और मुलिकिन मुलिकिन ऑयल ड्रॉप चैलेंज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तुम लोगों ने, ये वही है। तो रॉबर्ट एस मुलिकिन मतलब मोस्ट प्रोबली वही होने चाहिए मेरे कंफर्म नहीं है, बट हाँ ओवरऑल मुझे लगता है कि प्लीज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एटम शो और आलोक बेटा अभी जो चल रहा है उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। सो हुंड एंड मुलिकिन ये दो इंसान थे जिन्होंने एमओटी दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया, इनके बीच में मैं खड़ा हुआ बिल्कुल बुद्धू लग रहा हूँ। सो दीज आर टू इंटेलिजेंट गाय हु हैव गिवन एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। अब इनको ये बिल्कुल पता नहीं था कि हिंदुस्तान यानी हमारे इंडिया में ऐसे करके बच्चे भी चिल्लाते हैं एमओटी उनको पता होता तो नाम चेंज कर देते हैं, बट ओवरऑल ये दोनों बंदे हैं ठीक है जिन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया। ठीक है अब जरा देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या है, वो ये कहता है आपसे, ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपसे ये कहता है, ध्यान से सुनना, अगर दो एटम आपस में मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, इन दैट केस सबसे पहले वो दोनों एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दो एटम मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर दो एटम मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन एटम्स के ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब ये तो थी परिभाषा, अब मैं उसको समझाता हूं कैसे, जरा ध्यान से इसको समझना। यहां पर ये आपके किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता ना एटम में एस टाइप का ऑर्बिटल होता है जो कि स्फेरिकल होता है, पी टाइप के ऑर्बिटल में पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, ये डंबल शेप के होते हैं, सो दीज आर डंबल शेप, ठीक है। और फिर आपके पास आते हैं डी टाइप के ऑर्बिटल्स जैसे कि डी जेड स्क्वेयर, डी एक्स, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये पढ़े हो आपने, ये सारे के सारे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और यही एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सबको पता है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब एटम आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या करते हैं, ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इनको डिटेल में बताऊंगा। देखो ये आपको मैं बहुत बार बोलता हूं, इतने में इतना ही मिलेगा, अगर दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, दो मिक्स हुए हैं तो दो ही बाहर निकलेंगे, अगर दो एटम के दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो दो ही बाहर निकलते हैं, ठीक है। सो एक नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, इस तरह से ओवरऑल यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपसे, देखो अभी तो मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं, मैं आपके सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यहां पर अगर दो एटम पास आके क्या बनाना चाहते हैं, बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो इन दैट केस सबसे पहले उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। बार बार मैं ऐसे कर रहा हूं, ये देखो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा, ये यही लिखा हुआ, देखो एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, ऐसे होता है। अब ये कैसे होता है वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करो। बट अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भैया एमओटी में अगर दो एटम आपस में मिक्स होके बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। सो आई विल शो यू रीजन फॉर एमओटी। सबसे पहले तो सवाल ये है कि एमओटी की जरूरत पड़ी क्यों, Why we need MOT, molecular orbital theory की जरूरत पड़ी क्यों, ठीक है। तो चलो मैं इसका रीजन बताता हूं, कौन कौन रीजन जानना चाहता है, अभी तक तो सिर्फ सिंपल डेफिनेशन बताई है मैंने आपको। सबसे पहले तो सवाल यह है कि इन्होंने क्यों सोचा ऐसा कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ऐसा क्यों सोचा, रीजन क्या है, वॉट इज द रीजन, क्या आप लोग रीजन जानना चाहते हैं, जल्दी से बताओ कौन कौन रीजन जानना चाहता है, मैं रीजन जानना चाहते हैं, चलो जल्दी से बताओ कौन कौन है जो रीजन जानना चाहता है, जरा देखें। तो मैं आपको जो रीजन बताने वाला हूं ना, आप लोग हैरान रह जाओगे कि एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देने का रीजन क्या था, व्हाट इज द रीजन, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो आप लोगों ने वीबीटी पढ़ा इससे पहले, क्या पढ़ा,
वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ध्यान से सुनना, जब आपने वीबीटी पढ़ा तो वीबीटी क्या कहती है, अगर वीबीटी को ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो वो ये कहती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनना, वीबीटी ये कहती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, इवन, अगर किसी मॉलिक्यूल में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो डेफिनेटली वो कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। वीबीटी का क्या कहना है जरा आप देखना, वीबीटी ये कहती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, जैसे कि O2, अगर मैं कहूं कि बताओ O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, O2 में अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देन व्हाट विल यू से, आप लोग क्या कहोगे? तो आप काउंट करो, एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, टोटल कितना हो गया, 16 क्या है, एक इवन नंबर है, समझ में आ गया? तो इसी हिसाब से अगर 16 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो सारे के सारे पेयर्ड होने चाहिए। भाई एक और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपस में, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, समझ में आ गया, आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। इस तरह से 16 के 16 इलेक्ट्रॉन इवन है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो पेयरिंग हो जानी चाहिए सबकी, और फाइनली कोई भी एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए। वीबीटी आपसे यह कहती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पक्का वो डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि वहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। ये वीबीटी का कहना था, अगर आपने वीबीटी ध्यान से पढ़ी है तो आया समझ में। लेकिन लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, और इतना बड़ा एक्सेप्शन है कि यहां पर इसी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनानी पड़ी। वो और एक्सेप्शन वो खुद O2 ही है। O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 के हिसाब से नंबर है इवन, और इवन के हिसाब से कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक। लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता लगा, भाई साहब ये तो पैरामैग्नेटिक है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करना। नाउ एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि ऑक्सीजन एक्चुअली पैरामैग्नेटिक होती है और उसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरा आप इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो, चलो ये थोड़ी बिगर पिक्चर में दिखाता हूं, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, और इसकी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर दो मैग्नेट के बीच में आप ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन को अट्रैक्ट होते देख रहे हो। जरा देखो, काफी देर तक ये इन्हीं मैग्नेट्स के बीच में आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है, लिक्विड ऑक्सीजन। ये लिक्विड ऑक्सीजन है बेसिकली, इन्हीं दो मैग्नेट्स के बीच में लिक्विड ऑक्सीजन अट्रैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी पिक्चर में दिखाता हूं, चलो अगर छोटी पिक्चर में नहीं दिख रहा है, लुक एट इट, आप ध्यान से देखिए। पूछता है भारत, अगर वीबीटी कहता है, ध्यान से सुनना, अगर वीबीटी कहता है कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक होना चाहिए तो एक्सपेरिमेंट तो कुछ और ही कहता है। एक्सपेरिमेंट ये दिखा रहा है कि ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और उसके बीच में ऑक्सीजन आपको अट्रैक्ट होती दिखाई दे रही है। अगर ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक होती तो यहां पर अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए था, यहां पर रुकनी नहीं चाहिए थी, वो सीधे नीचे चली जानी चाहिए थी। काफी देर तक इन दोनों के बीच में वो लिक्विड ऑक्सीजन फंसी रही, और फिर वो तुरंत, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तुरंत वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, बट वो पानी यहां पे फंसा रहा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जिसमें पता लगता है कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक नहीं होती, वो पैरामैग्नेटिक होती है। ये किस किस को समझ में आया, तो इसका मतलब वीबीटी झूठ बोल रही थी, वीबीटी पकड़ी गई, तू झूठ बोलती थी, नालायक कहीं की। तो किस किस को समझ में आया, किस किस को ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लग रहा है देख के, ओ माय गॉड लुक एट इट, किस किस ने, अगर यूट्यूब पे देखा, नहीं देखा तो मैं आपको दिखा रहा हूं। सो फाइनली किस किस को ये एक्सपेरिमेंट देख के बड़ा मजा आया कि हाँ लुक एट इट, आपके सामने दिख रहा है, अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो अब पहले तो सिर्फ सुनते थे, आज हम देख भी रहे हैं, समझ में आ गया। तो वीबीटी क्या निकली, झूठी निकली। वीबीटी झूठी निकली तो उसके लिए हमें किसको लाना पड़ा, एमओटी को। वीबीटी इज लाइक यू नो हूर की परी, उसको वो झूठी निकली, तो अच्छी कौन निकली, एमओटी। वीबीटी का फिगर बहुत अच्छा था, तो वीबीटी इज लाइक 34 36 34, एमओटी इज लाइक 36 36 36, बट एमओटी इज बेटर देन वीबीटी। नहीं, सो इसलिए हम लोगों को किसको लाना पड़ा, हम लोगों को एमओटी को लाना पड़ा वीबीटी की जगह पे। सबको समझ में आया, या सो एमओटी, बेसिकली एमओटी को लाना पड़ा। अब एमओटी बहुत अच्छी है, एमओटी प्रूफ करके दिखाती है कि भैया ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। अब वो कैसे करती है, वही अपन आगे लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। यहां से अब समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली एमओटी की जरूरत हमें क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड एमओटी, हमें एमओटी की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं, एमओटी जिसने लिखा उसने कुछ पोस्टुलेट दिए, क्या दिए, पोस्टुलेट्स।
पोस्टलेट का मतलब क्या होता है? जब वो एमओटी का कॉन्सेप्ट बना रहे थे तो उन्होंने कुछ चीजें सोची थी उसके लिए, तो वो उसको रूल्स ऑफ आप एमओटी भी कह सकते हो कि एमओटी को पढ़ने के लिए फर्दर रूल कौन से हैं। तो मैं आपको पहले पोस्टुलेट बताऊंगा कि एमओटी के पोस्टुलेट क्या है, उसको ध्यान से समझना, फिर उसको मैं अप्लाई करके बताऊंगा और फिर मैं आपको डिटेल में आगे क्वेश्चंस भी कराऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले प्लीज कॉपी पेन निकाल लो, पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी आज हम लोग ये करने वाले हैं। सो पोस्टुलेट नंबर वन, आर यू गाइज रेडी फॉर पोस्टुलेट नंबर वन? पहला पोस्टुलेट के लिए आप लोग तैयार हो क्या? फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है, ध्यान से सुनो, ऊपर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक इट इज फिल्ड इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। मेरी बात ध्यान से सुनना, एमओटी ये कहती है कि अब इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं भरा जाता, इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरा जाता है। जरा ध्यान से समझना मतलब क्या है उसका। भाई दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उन दोनों एटम में कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन एस में, जैसे मान लो कि दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बना रहे हो, तो एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एस में होगा, दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एस में होगा, सही है? अब बेसिकली ये दोनों क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ये भी हमें पता है। और आप वीबीटी में क्या करते थे, ओवरलैपिंग करा देते थे पास लाके, समझ में आ गया? और कुछ नहीं करते थे वीबीटी में, क्या करते थे वीबीटी में, तो इन दोनों को पास लाते थे, बोले पास आ जाओ ओवरलैपिंग कर लो, पास आ गए ओवरलैपिंग कर ली, इलेक्ट्रॉन शेयर कर ली, ऐसा करते थे वीबीटी के अंदर, ठीक है? लेकिन एमओटी में ऐसा नहीं होता। एमओटी में इलेक्ट्रॉन को भरने से पहले ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग करके वो दो ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए, दो, बनेंगे भी कितने, दो, ये एक पहला ये दूसरा, दो अगर ऑर्बिटल ओवरलैप किए तो दो ही ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से एक की एनर्जी कम होती है जो कि लोअर एनर्जी सेंस करवाता है आपको, नीचे की तरफ होगा, ठीक है? जितना नीचे की तरफ उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होती है, तो एक की एनर्जी कम होती है, दूसरे की एनर्जी ज्यादा होती है, सो ये आपको ज्यादा एनर्जी सेंस करवाएगा, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। मजे की बात, जिसकी एनर्जी कम होती है उसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है? सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल को लिखता कैसे है, सिग्मा, जैसा बॉन्ड बनेगा, आपको भी पता है ये तो वीबीटी में आपने पढ़ा है, अगर s और s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो इन दैट केस सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इनको नाम भी क्या दिया, इसका नाम दिया सिग्मा, और जिसकी ओवरलैपिंग हुई है, मान लो कि यहां पर 1s इसका पार्टिसिपेट कर रहा था, 1s इसका, तो इसको नाम क्या दोगे, सिग्मा 1s। तो जो लोअर वाला होता है उसका नाम होता है सिग्मा 1s, उसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, इसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, बॉन्ड को सपोर्ट करता है, इसको नाम क्या देते हैं, सिग्मा 1s। तो नीचे वाले को सिग्मा 1s कहते हैं, तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सिग्मा स्टार 1s। स्टार क्यों लगाया, ये स्टार इंडिकेट करता है बेसिकली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को। तो यहां पर दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल पास आते हैं तो दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, समझ में आया? बॉन्डिंग ऑर्बिटल को सिग्मा 1s से लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार 1s से लिखेंगे। ये बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है, ये एंटी बॉन्डिंग होता है, ये बॉन्डिंग को सपोर्ट नहीं करता, समझ में आ गया? दो ऑर्बिटल बनेंगे, इसमें इसकी एनर्जी कम होती है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखने की बात है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो इस तरह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो जाते हैं, समझ में आ गया? अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होने के बाद आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो। अब आप लोग पूछोगे कि ये क्या है, ये डॉट क्या है, ये बेटा ये डॉट ये न्यूक्लियस है, समझ में आ गया? और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरह से है कि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बॉन्डिंग, बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि यहां पर जो न्यूक्लियस है उनमें बीच में आपको गैप दिख रहा है, तो ये बॉन्डिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये ऐसे ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग को सपोर्ट नहीं करते, ये ऐसे ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग को सपोर्ट करते हैं, समझ में आ गया? ये एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं, ये बॉन्डिंग कहलाते हैं। तो पहला पोस्टुलेट किस किस को समझ में आ गया, दोबारा रिकॉल करवा देता हूं। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो पहले ऑर्बिटल ओवरलैप करके दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एक की एनर्जी कम होती है दूसरे की एनर्जी ज्यादा होती है, नीचे वाले को बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं, ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, नीचे वाले को सिग्मा, क्योंकि ऐसे ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा,
SRS से पता है आपको, SRS ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, तो उसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। स्टार का मतलब क्या हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अभी तक किस किस को पोस्टुलेट नंबर 1 समझ में आ गया, नाउ विल गो फॉर पोस्टुलेट नंबर 2। और आप बस ये दिल पे हाथ थाम के ऐसा बैठना और पूरे पोस्टुलेट बड़ी तसल्ली से देखना, उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूंगा, आपको प्रॉपरली अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इज इट फाइन? चलो तो आप पोस्टुलेट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कहता है आपसे, जरा देखो। पोस्टुलेट नंबर 2 ये कहता है ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ प्रॉपर सिमेट्री एंड कंपेरेबल एनर्जी फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो वहां पर भी था और यही चीज उन्होंने यहां पर भी लगा दी। उन्होंने क्या कहा जरा देखो, उनको उन्होंने ये कहा कि ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ऐसे ही कोई एटम के कोई भी ऑर्बिटल आके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना लेते, एनर्जीज कंपेरेबल होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा कि 1s आएगा वहां से 2p आ रहा है, दोनों मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे, ना, गलत। सो कैसे यहां पर बनता है, जरा आप इसको चेक करो, जरा देखो। 1s 1s कंबाइन हो सकता है, दैट्स फाइन, क्योंकि ये भी 1s है, वो भी 1s है, दैट्स फाइन, समझ में आ गया, दैट्स फाइन। लेकिन 1s और 2s कभी कंबाइन नहीं हो सकता, दैट्स रॉन्ग, समझ में आ गया, क्योंकि 1s पहला वाला शेल है जबकि 2s दूसरा शेल है, तो ये कंबाइन नहीं होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, ऑर्बिटल वही ओवरलैप करता है जिनकी एनर्जीज कंपेरेबल होती हैं, समझ में आया। तो यहां पर 1s 1s कंबाइन हो सकता है लेकिन 1s और 2s कंबाइन नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। 1s और 1s कंबाइन हो सकता है लेकिन 1s और 2s कंबाइन नहीं हो सकता। इसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूं, pz और pz कंबाइन हो सकता है, pz और pz कंबाइन हो सकता है, दैट्स फाइन, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि pz और px कंबाइन हो रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे करके कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये अपना वो है, बैल है जो आदमी को सिर मार रहा है, तो यहां पर कोई बॉन्डिंग नहीं हो सकती, समझ में आ गया। तो बेसिकली ये बॉन्डिंग पॉसिबल है लेकिन ये बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो कंपेरेबल एनर्जीज होनी चाहिए, एक जैसे दिखने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तब तक फाइन है। अगर एक जैसे नहीं है तो फाइन नहीं है। सबको समझ में आ गया पोस्टुलेट नंबर 2। नाउ विल सी पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी, लुक एट इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ध्यान से समझना। पोस्टुलेट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक, उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। ये आप देखो, ये किसी एटम, हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम में एक ही न्यूक्लियाई होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, एक ही न्यूक्लियाई होता है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो वहां पर न्यूक्लियाई एक से ज्यादा होते हैं। ये अब आप देखो कि हाइड्रोजन के इस, ये जो आपके पास, इसको क्या बोलेंगे, अगर आपने ध्यान से पिछली स्लाइड देखी होगी तो उसमें ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में था, उसमें न्यूक्लियाई एक से ज्यादा होते हैं, सेंटर एक से ज्यादा होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं पिछली स्लाइड में, अगर मैं आपको लेके जाऊं तो ये देखो, आपने ये देखा था, मैंने आपसे कहा था कि ये जो दो आंखें दिखाई दे रही हैं क्या है, ये न्यूक्लियाई है। देखो मजे की बात, यहां पर मजे की बात ये है, यहां पर न्यूक्लियाई कितने थे, 2, समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी रहेगी लेकिन न्यूक्लियाई बेसिकली क्या हो जाते हैं, एक तरह से कहें तो हम लोग यहां पर कैसे हो जाते हैं, जस्ट डबल हो गए। नीचे देखो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 न्यूक्लियाई हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 न्यूक्लियाई हैं, टोटल कितने हो गए, 4 न्यूक्लियाई हो गए, समझ में आ गया। तो यहां पर ये क्या होते हैं, ये वही पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये पॉलीसेंट्रिक होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होते हैं, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही न्यूक्लियाई होता है, जबकि यहां पर 2-2 न्यूक्लियाई है, समझ में आ गया, 2 न्यूक्लियाई नीचे, 2 न्यूक्लियाई ऊपर है, इलेक्ट्रॉन इन्हीं के अंदर रहेंगे, समझ में आ गया। तो हेडमास्टर 2 हो जाते हैं, यही चीज वहां पर पोस्टुलेट में बताने की कोशिश की जा रही है। इज दिस क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक एट इट, दोबारा समझाता हूं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एक ही न्यूक्लियाई और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो वहां पर 2-2 न्यूक्लियाई होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी रहती है जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पॉलीसेंट्रिक, दीज आर पॉलीसेंट्रिक, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, समझ में आया। अब पोस्टुलेट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, क्या है, यहां पर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतने ही मिलेंगे। ये वही वाली कहानी है, इतने में इतना ही मिलेगा, समझ में आ गया।
अगर आपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, ऑर्बिटल दो से ज्यादा नहीं मिलेंगे। उसमें से एक क्या कहलाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा क्या कहलाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो कुछ ऐसा होता है, जरा ध्यान से देखो। ये पहले एटम, दो एटम है कंबाइन होना चाहते हैं, पहले एटम का स्फेरिकल 1s है, ये दूसरे एटम का स्फेरिकल 1s है। अब आप रियल पिक्चर देखो, ये देखो, ये और ये कंबाइन होकर बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को अगर कंबाइन होना है और बॉन्ड बनाना है, अब देखो यहां पर ये है न्यूक्लियाई, दिखाने का तरीका, ये किसी एटम का न्यूक्लियाई है, ये अपना स्फेरिकल s ऑर्बिटल लेके आया है, एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है साथ में, एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहां पर ये दूसरा एटम है, अपना स्फेरिकल s ऑर्बिटल लेके आया है और एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है। मजे की बात, सबसे पहले तो ये जो 1s है और ये जो 1s है स्फेरिकल, ये आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, नीचे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर वाले को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। तो स्टार लगा हुआ है यहां पे, जरा आप चेक करो, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, और ये पॉलीसेंट्रिक होते हैं। देखो ये दो न्यूक्लिय यहां पर, दो न्यूक्लिय यहां पर आ गया, समझ में आ गया। एक की एनर्जी कम है, दूसरे की एनर्जी ज्यादा है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये मतलब निकलता है। ये पोस्टुलेट नंबर 4 है, सबको समझ में आ गया किस तरह से कंबाइन करना है। ये एक एटम का 1s, ये दूसरे एटम का 1s, ये कंबाइन होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। हमें एटॉमिक ऑर्बिटल से मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मतलब है। एक नीचे एक ऊपर, ये क्या है? ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है सिग्मा 1s, ये क्या है? सिग्मा स्टार 1s। पोस्टुलेट नंबर 4 क्लियर है। अब चलते हैं पोस्टुलेट नंबर 5 पर। पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कहता है? पोस्टुलेट नंबर 5 ये कहता है कि यहां पर जरा आप चेक करो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, BMO का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ऑब्वियसली यार, आप ध्यान से समझो, आपको फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का पता होगा। मैं कहूं कि मैं यहां पर हूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी PE1 मान लेते हैं, और मैं अगर कहूं मैं यहां पर हूं तो दिस इज PE2। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, समझ में आ गया। तो आपको भी पता है कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उनकी हाइट कम होती है, वो नीचे बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब उनकी एनर्जी कम होगी और उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेसिकली, वो कहां बनाए जाते हैं? ऊपर बनाए जाते हैं। दिखा देता हूं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है और उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। जरा देखो, यहां पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपना 1s में एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, दूसरे वाला एटॉमिक ऑर्बिटल अपना 1s में एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। अब उससे क्या हुआ? दो ऑर्बिटल बने। नीचे वाला क्या है जरा देखो, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये नीचे एक ऊपर बन गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं BMO, इसको बोलते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। इसकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसकी एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। सिंपल, सबको समझ में आ गया। इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। दैट्स इट। अब एनर्जी का ध्यान आपको जरूर रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको एनर्जी का पता होगा तो आप लोग बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका सीख पाओगे। तो पोस्टुलेट नंबर 5 के बाद हम चलते हैं पोस्टुलेट नंबर 6 की तरफ। पोस्टुलेट नंबर 6 ये वही है जो अभी मैं बोल रहा था, जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो तो आपको वही रूल लगाने हैं जो आप लोगों ने कहां पर लगाए थे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखे थे। कौन कौन से? ओवाव रूल लगाना है, पाउली का प्रिंसिपल लगाना है, हुंड रूल लगाना है, एज इट इज। समझ में आया? तो आपको ओवाव रूल लगाना है, ओफबाउ रूल लगाना है, आपको ध्यान रखना है। ओफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? ओफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे। जैसे कि 1s की एनर्जी कम होती है, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा था, फिर 2s में भरा था, फिर 2p में भरा था, ऐसे करके याद है। फिर पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, याद है आप लोगों को? ओफबाउ का एनर्जी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस को ओफबाउ का एनर्जी डायग्राम याद है? भाई वो तिरछे तीर चला रहा था, याद है? पहले 1s का नंबर आता है, फिर 2s का आता है, फिर 2p का आता है, फिर 3s का आता है, फिर 3p का आता है, समझ में आ गया? फिर 4s का आता है, फिर 3d का आता है। इसका मतलब 3d की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4s। तो ओबाव का सेम प्रिंसिपल यहां पर भी लगेगा। इसी तरह से पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी लगेगा। पाउली क्या कहता है? आप इलेक्ट्रॉन को यूं नहीं भर सकते हो। पाउली कहता है, जरा ध्यान से चेक करना,
एक इलेक्ट्रॉन का, पाउली ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, मतलब आप इलेक्ट्रॉन को यूं नहीं भर सकते, ये गलत है। ना तो दोनों ऊपर की तरफ होंगे, ना दोनों नीचे की तरफ होंगे। एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की स्पिन से अपोजिट होंगे, एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा। ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। उसके बाद हुंडर रूल क्या है? हुंडर रूल ये कहता है कि आपको एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पर जिसकी एनर्जी सेम है तो उनमें इलेक्ट्रॉन भी बराबर भरने हैं। मतलब 1s में आपने 1s की एनर्जी कम होती है, यहां दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2s की एनर्जी कम होती है, दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। पर 2p में कैसे करना है? अगर 2p में तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो एक इसमें भरोगे, एक इसमें और एक इसमें, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है। आया समझ में? बस वो एनर्जी वाला डायग्राम ही हमें देखना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने इधर दो भर दिए और उधर एक भर दिए, दैट इज रॉन्ग। तो ये क्या है? हुंडर रूल। हुंडर रूल बड़ा सिंपल है। देखो 2p में तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो दिस इज रॉन्ग, आप ऐसे नहीं भर सकते हो, दो इसमें भर दिए और एक उसमें भर दिए, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। आपको एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, एक इसको एक इसको एक इसको। क्लियर हो गया? ये सेम रूल्स आपको वहां पर भी लगाने हैं जहां पर MOT, आप जब MOT में इलेक्ट्रॉन भरोगे। लेकिन MOT का आपको एनर्जी डायग्राम याद होना चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब MOT में किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जरा उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले SS, अगर किसी एक एटम का S ऑर्बिटल दूसरे एटम के S ऑर्बिटल से ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, यानी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे दिखेंगे मैं आपको दिखा देता हूं। वो ऐसे दिखेंगे। इसका 1s लिया, वो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इसका भी 1s लिया, इसमें क्या होगा? नीचे सिग्मा 1s, ऊपर सिग्मा स्टार 1s। आपको ये डायग्राम ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक लेवल नीचे बनाना, एक लेवल ऊपर बनाना है। ओवरऑल जब इनका एडिशन करोगे, एवरेज एनर्जी निकालोगे, तो इनकी एनर्जी के बराबर होगी। आ गया समझ में? ये मतलब निकलता है इसका। समझने वाले बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो ये SS जब सिग्मा बॉन्ड बनता है। अच्छा, जब PP में सिग्मा बॉन्ड बनता है, आप पहले भी पढ़ के आए हो VBT के अंदर, जब ओवरलैपिंग होती है तो मान लो PZ ने सिग्मा बॉन्ड बनाया तो PX और PY पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये आपको पता है। और जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब PP में अगर सिग्मा बॉन्ड बना तो कैसे दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, एक एटम का मान लो 2PZ लिया मैंने, जो सेकंड शेल होता है वहीं से P सब शेल शुरू होता है। तो 2PZ एक एटम का लिया, दूसरे एटम का भी 2PZ लिया। P कैसा दिखता है? डंबल शेप में। तो ये डंबल शेप में दिख रहा है, ये भी डंबल शेप में, ये भी डंबल शेप में। इन दोनों ने आपस में मिक्सिंग करी, दो ऑर्बिटल बनाए। दो मिक्स होंगे तो दो ही बनेंगे। तो कैसे मिक्स होगा जरा आप चेक करो, ये दोनों आपस में कैसी ओवरलैपिंग कर रहे हैं? देखो, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इन दैट केस क्या होगा? ये देखो, एक बनेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे सिग्मा 2PZ, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। एक बनेगा सिग्मा स्टार 2PZ, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, समझ में आ गया? ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर एक पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो बाकी दोनों पी ऑर्बिटल क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। समझ में आ गया? तो आप ध्यान से देखो, जब ये पी और पी आपस में मिक्स होके हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो आपने जो दो ऑर्बिटल पैदा किए हैं, एक का नाम है सिग्मा 2PZ, एक का नाम है सिग्मा स्टार 2PZ। इसी तरह से मान लो PP दोनों मिक्स होके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तब तो बहुत सिंपल है। अब 2PZ ने तो सिग्मा बना लिया, इसका मतलब 2PX और 2PY क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। वो लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे, ऐसे वाली लेटरल ओवरलैपिंग। वो सारे कॉन्सेप्ट सेम है, चेंज नहीं हुए हैं। तो ये 2PX या फिर इसको 2PY भी कह सकते हो, एक ही बात है, वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये एक एटम का, ये दूसरे एटम का आपस में मिक्स होके लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और मिक्स कैसे हो रहे हैं जरा आप चेक करो, मिक्स ये ऐसे हो रहे हैं, जरा देखो। एक क्या बनाएगा? लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल, एक क्या बनाएगा? हायर एनर्जी का ऑर्बिटल। ये अब दोनों मिलके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा नहीं, तो नाम क्या होंगे? पाई 2PX। तो ऊपर वाले का नाम क्या होगा? पाई स्टार 2PX। समझ में आ गया? सो दिस इज पाई 2PX, दिस इज पाई स्टार 2PX। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो यहां सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहा है, यहां पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इसी तरह से अगर 2PX लिया है तो पाई 2PX एंड पाई स्टार 2PX। इसी तरह से PY लिया है तो पाई 2PY एंड पाई स्टार 2PY। इस तरह से पाई बॉन्ड बनते हैं, ये इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। कॉन्सेप्ट वही है, बस इतना सा चेंज कर दिया कि अब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, फिर उसके बाद उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जा रही है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब ओवरऑल अगर मैं आपको सीधे डायग्राम दिखाऊं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, अब ये है मेन चीज। सब कुछ सीखने के बाद अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आपकी बल्ले बल्ले,
डायग्राम याद नहीं है तो शामा शामा, मतलब याद करना है, सिंपल बात है। और यहां पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, और मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, तो चिंता मत करना उसको। समझ में आ गया? सब कौन कौन तैयार है? ये है आपकी बल्ले बल्ले शामा शामा स्लाइड। तो कौन कौन तैयार है फटाफट से चैट सेक्शन में लिख के बताओ, इतने मेरे को भूख लग रही है। तुम लोग खाना वाना खाते हो कि नहीं खाते हो? अपने साथ में मम्मी को बोल के कुछ खाने को रखते हो कि नहीं रखते हो? तो बताओ कौन कौन है। हाँ, मेरे को भूख लग रही है, थोड़ा मैं खा लेता हूं। तो यहां पर कौन कौन रेडी है? एकदम जल्दी जी बताओ, फट ही नहीं रहा है, मुंह से फाड़ने का मन नहीं कर रहा। तुम लोग कहोगे नहीं सर, लगता आज मेरे नसीब में खाना नहीं है। नहीं चलो छोड़ते। अच्छा, सो फाइनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये इसका क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स का मतलब अब आएगा हीरो जो विलेन को पंच करेगा। ऐसे विलेन जो अपने आप को अलग कंपनी के फुद्दू कंपनी के डायरेक्टर बोलते हैं, है ना, उनको पंच करेगा और फिर उसके बाद उनकी ठाई ठाई करेंगे अपन, ठीक है। सो चलो, फुद्दू कंपनी के फुद्दू डायरेक्टर। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आर यू गाइज एक्साइटेड एंड रेडी? जल्दी से बताओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के लिए। चलो तो लेट्स स्टार्ट द सेशन, चले शुरू करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ, दिस इज द क्लाइमेक्स, ठीक है, जिसमें एक कंपनी का सादा सा वेदांतों का सादा सा नॉर्मल सा मास्टर टीचर एक दूसरी कंपनी के डायरेक्टर फुद्दू कंपनी के फुद्दू डायरेक्टर को हम तो मास्टर टीचर हैं, हम कौन से डायरेक्टर, नहीं हम तो सीधे साधे लोग, मेरा नाम है, हम तो सीधे साधे ए स्क्वायर बड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं आप लोगों को बहुत जल्दी। सो ए स्क्वायर इज लाइक अ ब्रांड एज यू ऑल नो मेरे प्यारे बच्चों। सो बस अब कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ बेहतर आने वाला है, ए स्क्वायर से जुड़ जाओ। दिस इज योर ए स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों। तो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम? चलो शुरू करते हैं। देखो अब मैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताऊंगा वो उन दोनों बंदों ने बहुत मेहनत करी और बहुत कुछ करने कराने के बाद उन्होंने डायग्राम दिए हमें। जो उन्होंने किया हमें उससे मतलब नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है, क्योंकि हमें नीट का एग्जाम निकालना है। समझ में आ गया? हाल फिलहाल तो मैं आप लोगों को बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना आप, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर डायग्राम जो है एमओटी के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो दो तरह के होंगे, दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहला, जब आपके पास क्या हो, मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हो। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मैं आपको समझाता हूं। 14 या 14 से कम का क्या मतलब है, जैसे कि आपको मैं पूछूं कि बताओ N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं तो दो में कितने हुए, 14, सो दैट इज इक्वल्स टू 14। आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो N2 इसमें आएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, एक बोरॉन में 5 होते हैं तो दो में कितने हुए, 10। समझ में आया? तो ये इनकी बात कर रहा हूं मैं, जिनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 14 या 14 से कम, उनके लिए एमओटी का डायग्राम कैसे बनेगा, दैट इज द की ओनली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मान लो दो एटम पास आ रहे हैं, इफ टू एटम्स आर कमिंग टूगेदर, तो सबसे पहले उनके ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, सबसे पहले उनके ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो पहले ऑर्बिटल देख तो ले कैसे होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। तो आई विल शो यू कि ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, तो पहले ऑर्बिटल्स को देख लो आप, फिर मैं डायग्राम दिखाता हूं आपको, ठीक है। सो मैं इनकी बात कर रहा हूं, मैं आपको समझा चुका हूं, इनको मैं यहां लिख देता हूं साइड के अंदर, तो जरा देखो मैं कहां लिख रहा हूं। हां, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूं ताकि अपने पास जगह बनी रहे। मेरे कैमरा भाई, व्हाई आर यू ब्लर करिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, मैं चौक होना लगा के तभी शांत हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 14 या 14 से कम, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन या फिर B2, आप और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और बात सुनो, अगर दो एटम है, मान लो कि ये एक नाइट्रोजन का एटम है, दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, तो आप बताओ कि इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, इसका भी क्या होता है, 7। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, 1s में 2 भरे गए, ये हमारे लिए 1s बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ऑर्बिटल जाके झांकी बनाएंगे, 2s
में 2 भरे जाते हैं एंड देन 2p में 3 भरे जाते हैं। तो हमारे लिए 1s, 2s एंड 2p बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको 1s, 2s और 2p की पहले ओवरलैपिंग करानी है। इस नाइट्रोजन में भी क्या होगा, 1s में 2, 2s में 2 एंड 2p में 3। तो 1s, 2s एंड 2p, तो इसका 1s इसके 1s से प्यार मोहब्बत करेगा। समझ में आ गया, प्यार मोहब्बत इश्क इबादत पता है। इसका 2s इसके 2s से क्या करेगा, नैना लड़ाई के। इसका 2p इसके 2p से क्या करेगा, बस ये ओवरलैपिंग करा के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखो इधर बना के दिखाता हूं मैं आपको, डायग्राम ध्यान से देखना। तो सबसे पहले पहले एटम का आया 1s, ये मान लो पहले एटम का 1s ऑर्बिटल है, ऐसे दिखा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एटम का भी 1s, ये दोनों आए, इन दोनों ने ओवरलैपिंग करी, क्या बनाया, एक तो ऑर्बिटल ऊपर वाला बनाया, एक ऑर्बिटल नीचे वाला बनाया, एक और मैंने थोड़ा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा बना दिया, बट एक ऊपर और एक नीचे बनाया। नीचे वाले का नाम क्या होगा, सिग्मा 1s, ऊपर वाले का नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s। खत्म कहानी। ये डायग्राम कितना आसान है, ब्यूटीफुल लड़की ब्यूटीफुल कर गई। ये 1s, ये 1s, समझ में आया, ये क्या है, सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। कितना आसान है, बन गए, आसान है, कुछ भी नहीं है, फर्जी। सबको समझ में आया, पहले ऑर्बिटल देख लो फिर इलेक्ट्रॉन बाद में भर लेंगे। अब आ जाओ 2s, 2s की बात कर लेते हैं। मान लो कि ये अपने पास ये 2s लेके आया, ये अभी अपने पास 2s लेके आया, इन दोनों ने पहले तो नीचे एक ऑर्बिटल बनाया और फिर एक ऊपर ऑर्बिटल बनाया। नीचे वाले ऑर्बिटल ये देखो, ये एक ऊपर वाला ऑर्बिटल, समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा सिग्मा 2s और ये क्या कहलाएगा, सिग्मा स्टार 2s। समझ में आया, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ये सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार। हमें ना मजे की बात, हमें साइड वालों से मतलब नहीं है, साइड में क्या है, वी डोंट केयर दीज गाइज, हमें इधर वालों से मतलब नहीं, वी डोंट केयर दीज गाइज एज वेल, वी हैव टू केयर दीज ओनली। बीच वालों से मतलब है, आइला हमें बीच वालों से मतलब, समझ में आया, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब भी नहीं है, हमें बीच वालों से मतलब है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे क्या होगा। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, भगवान करे उसके लिए मेरे पास थोड़ी प्रॉपर जगह हो, थोड़ी जगह बची, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो आपको भी पता है 1s 1s सिंपल था, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 2s 2s सिंपल था, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब आते हैं अपन 2p 2p के ऊपर, ये स्पेशल केस है, ये 2p इस 2p के साथ ओवरलैपिंग करेगा, लेकिन आपको पता है कि इस 2p में एक क्या होगा, 2pz होएगा, इसके पास भी एक 2pz होएगा, और ये 2p, मान लो कि ये 2pz और 2pz आपस में मिक्स होके क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बाकी जो दोनों हैं, कौन, 2px एंड 2py, इसके भी बाकी दोनों कौन से, 2px एंड 2py, ये दोनों आपस में मिक्स होके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। समझ में आ गया, अगर ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, समझ में आ गया। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड जो बना रहा है और जो पाई बॉन्ड बना रहा है उनकी एनर्जी सेम तो नहीं होगी, समझ में आ गया, किसी के ऊपर होगी किसी के नीचे होगी, बस उसको यहां पर दिखाना है। तो देखो यहां पर सीन क्या है, तो अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा आगे, बट ओवरऑल अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 14 है तो बस यहीं पर चेंज आएगा जो भी आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहां से अब लोगे आप तीन ऑर्बिटल, एक एटम के तीन तीन ऑर्बिटल, इसका नाम है मान लो 2px, इसका मान लो 2py, इसका मान लो 2pz, सही है, इसके भी तीन ऑर्बिटल आएंगे, इसका नाम मान लो 2px, इसका मान लो 2py और इसका मान लो 2pz। अब ये कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तीन यहां पे, तीन यहां पे, टोटल कितने हो गए, छह, इसका मतलब छह ऑर्बिटल बनाने हैं तुम्हें, गिनो ना कितने, एक दो तीन, यहां पर कितने, एक दो तीन, समझ में आ गया, छह ऑर्बिटल है तो छह ऑर्बिटल तुम्हें दिखाने हैं अलग अलग एनर्जी में। अच्छा मजे की बात, जब आप यहां एक एक मिक्स कर रहे थे, एक एस वाला एक एस वाला, तो एक तो बन रहा था सिग्मा और एक बन रहा था, एक बन रहा था बॉन्डिंग वाला, एक बन रहा था एंटी बॉन्डिंग वाला, समझ में आ गया। तो अब जरा सोचो अगर तीन तीन मिक्स करोगे तो तीन बनेंगे बॉन्डिंग वाले, तीन बनेंगे एंटी बॉन्डिंग वाले, दिमाग लगाओ। जब आप एक एक मिक्स कर रहे थे, ये एक और ये एक, तो आपके पास एक बॉन्डिंग वाला बन रहा था यानी नीचे,
एक बन रहा था एंटी बॉन्डिंग वाला यानी ऊपर। इसी तरह से जब आप तीन तीन मिक्स कर रहे हो तो तीन बॉन्डिंग के बनेंगे, तीन एंटी बॉन्डिंग के बनेंगे, तीन नीचे बनेंगे, तीन ऊपर बनेंगे, बस यहां पे स्पेशलिटी और कुछ नहीं। तो इन दैट केस कैसे बनेगा वो डायग्राम मैं आपको समझाता हूं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो सबसे नीचे जाएगा, जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 14 है तो जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो सबसे नीचे जाएगा। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम है सिग्मा 2pz। आया समझ में? जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो सबसे नीचे जा रहा है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो सबसे नीचे जा रहा है, ध्यान से समझना। पर यहां पर एक और चीज है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। होता क्या है ये, अब क्यों होता है वो बहुत लंबी सी थ्योरी है, उसको हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन ओवरऑल यहां पर सीन क्या है, जो यहां पर जो 2px और 2py ना, उनकी एनर्जी और भी लोअर डाउन होती है एज कंपेयर टू 2pz। अब वो होती है इस ऑर्बिटल और उनके दोनों ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से, लेकिन हमें उसके रीजन का कोई टेंशन लेना नहीं है, वी डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट दैट। ध्यान से सुनना इसको, नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो जगह बनाने के लिए मैं थोड़ा इसको मैं रब कर देता हूं, जरा एक मिनट रुकना, तो आई रब इट ताकि आपको इजिली समझ में आए जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं इसको दोबारा समझा देता हूं, आपको वो टेंशन नहीं लेनी कि क्या है क्या नहीं, मैं इसको दोबारा समझा देता हूं। अगर डीपली पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझाऊं तो मतलब ये है कि अगर आपके पास 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इन दैट केस पाई वालों की एनर्जी सिग्मा वालों से और भी कम होगी अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो, यहीं पे कैश और कुछ नहीं। सो इन दैट केस ओवरऑल यहां पर डायग्राम कैसे बनेगा, सीधा डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो यहां पर डायग्राम कैसे बनेगा, दो ऑर्बिटल्स नीचे और एक ऑर्बिटल यहां पर, ये टोटल तीन ऑर्बिटल हो गए नीचे की तरफ। अब ये दो ऑर्बिटल नीचे वाले कौन से हैं जिन्होंने पाई बॉन्ड बनाया, नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल टेल यू। ओवरऑल बस यही डायग्राम आपको याद करना है, और ये कैसे याद करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके पास पाई 2px, तो इसका नाम क्या हो गया पाई 2py, क्योंकि इन्होंने दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया। ऊपर वाला कौन है, सिग्मा 2pz। समझ में आया, याद कैसे कर रहे हैं मैं आपको सिखाऊंगा। जब आपके पास 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो पाई 2px पाई 2py नीचे बनेगा, ये ओवरलैपिंग की वजह से और एनर्जी लोअर डाउन हो जाती है इसकी। ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बट ओवरऑल समझ लो कि जब 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये दोनों ऑर्बिटल नीचे बनेंगे और 2pz वाला ऊपर बनेगा। अब आगे आओ, ऊपर वाले में क्या सीन है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, दोनों ऑर्बिटल जो है नीचे बनेंगे और एक ऑर्बिटल ऊपर बनेगा, ऐसा होगा। इन दोनों का नाम क्या है, इसका नाम होगा पाई स्टार 2px, इसका नाम क्या होगा पाई स्टार 2py, और ऊपर वाले का नाम क्या होगा सिग्मा स्टार 2pz। देखो मैंने क्या कहा था, ये नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, तीन और तीन छह आपने ऑर्बिटल मिक्स किए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, जिसमें से तीन नीचे बनेंगे तीन ऊपर बनेंगे, समझ में? अब जो तीन नीचे बन रहे हैं वो कौन है, यहां पर दो नीचे एक ऊपर, दो नीचे एक ऊपर, ये पाई 2px है, पाई 2py है, और ये सिग्मा 2pz है। तो एज इट इज सेम ऊपर बनाने आपको पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये ओवरऑल डायग्राम है विच यू हैव टू रिमेंबर और मगअप, बट डोंट वरी अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो बहुत मजेदार है, जो मैंने खुद ने बनाई है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले तो ये डायग्राम है, अब ये टोटल डायग्राम है जो आपको लेस देन इक्वल्स टू 14 में याद रखना है। अब मैं इसको थोड़ा सा और दिखा देता हूं आपको, ये डायग्राम कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, जरा देखो, ये डायग्राम मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर 1s 1s को काउंट नहीं किया, वो नीचे है, 1s 1s को छोड़ दो, छोड़ दिया, तो यहां 2s से शुरू किया, यहां से डायरेक्टली 2s, इसका 2s, ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, समझ में आ गया। अब मैंने क्या कहा था, ये देखो पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, ये क्या बन रहा है जरा आप चेक करो, दो एक नीचे, दो ऊपर एक, नीचे दो ऊपर एक, दिखाई दे रहा है? अब आ जाओ नीचे, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py नीचे दो ऊपर एक, सिग्मा स्टार 2pz ऊपर एक। तो आपका डायग्राम कैसे बन रहा है, 2 1 2 1, बस इतना सा याद करना है, ये लेस देन इक्वल्स टू 14 के लिए। अच्छा, तो फिर मोर देन में क्या है, मोर देन में सिर्फ यहां पर चेंज आएगा और कहीं नहीं, इस ट्रायंगल को उल्टा कर देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपके पास यहां पर ऐसे, जरा देखना, और इसको लिखने का तरीका यह होता है, ये एनर्जी है टोटल, अब ये आप घबराओ मत, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये देखो सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी सिग्मा 1s से ज्यादा होती है, वो तो दिख ही रही है ना,
यहाँ बनाया नहीं है, मैंने आपको पहले डायग्राम बना के दिखाया था, सिग्मा 1s नीचे होता है, फिर सिग्मा स्टार 1s होता है, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, तो एनर्जी के हिसाब से इनको लिखा गया और कुछ नहीं है, एज इट इज एनर्जी के हिसाब से इनको यहाँ पर लिख दिया गया और कुछ नहीं है। आया समझ में? अब मजे की बात देखो, पाई स्टार 2px से पाई स्टार 2py की एनर्जी बराबर होती है, यही तो कर रहे हैं, देखो ना एनर्जी बराबर है, इनकी भी एनर्जी बराबर है, बराबर लिखा होगा, देखो ये रहा, पाई 2px से पाई 2py की एनर्जी बराबर होती है, तो आप इनको एज इट इज एनर्जी के हिसाब से लिखते जाओ, कुछ भी नहीं है वो। अब अपन चलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तो क्या होगा? तो मैंने आपको कहा था सिर्फ और सिर्फ कहां पे आपको चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले जो ट्रायंगल बन रहा था ना उसको उल्टा कर देना, सिर्फ इतना ट्रिक है और कुछ नहीं, और मैं आपको सिखाऊंगा वो भी कैसे याद करना है। 14 से ज्यादा का क्या मतलब है? जैसे कि O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में 14 से ज्यादा हो तो आपको ये डायग्राम फॉलो करना है जो मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है? तो जरा आप चेक करना, ये मैं आपको यहां पर बना देता हूं, ओवरऑल डायग्राम यहां पर बना रहा हूं, जरा आप चेक करना। तो डायग्राम आपको क्या याद करना है, जरा आप चेक करना बहुत ध्यान से, सब लोग तैयार हो? 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए आप कौन सा डायग्राम करोगे? ये देखो, ये आपके पास मान लो इसका 1s है, ये आपके पास इसका 1s है, एक ऑर्बिटल नीचे बनेगा, एक ऑर्बिटल ऊपर बनेगा, समझ में आ गया? 1s 1s, एक ऑर्बिटल नीचे एक ऑर्बिटल ऊपर। अब आ जाओ 2s की तरफ, ये 2s है, ये भी 2s है, एक ऑर्बिटल नीचे बनेगा, एक ऑर्बिटल ऊपर बनेगा, आ गया समझ में? एक नीचे एक ऊपर। अब आप आ जाओ अगले वाले में क्या होगा, फिर अब आता है मेन चीज की तरफ, ये 2p, इसमें 2px 2py 2pz, और यहां पर भी क्या है, ये 2px 2py 2pz। अब आपको क्या करने है, टोटल मैंने बहुत पास पास बना दिया, टोटल 6 ऑर्बिटल्स बनाने हैं। कैसे बनाओगे? मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। इन दैट केस मैंने आपसे क्या कहा था, सिर्फ यहां पर चेंज करोगे, पहले वाले में क्या था, 2 एंड देन 1 देन 2 एंड देन 1, याद है? दो ऑर्बिटल नीचे एक ऑर्बिटल ऊपर, दो ऑर्बिटल नीचे एक ऑर्बिटल ऊपर, बस यहां पर इंटरचेंज कर दो, यहां पर क्या होगा, दैट्स वेरी सिंपल, एक ऑर्बिटल नीचे दो ऑर्बिटल ऊपर, बस और कुछ नहीं करना, बाकी सेम है, कोई फर्क नहीं है, इज दिस क्लियर? यहां पर दो एक ही होगा, यहां पर दो ऑर्बिटल ऊपर, सॉरी नीचे, और एक ऑर्बिटल ऊपर, बस इतना सा डायग्राम है जो आपको याद करना है, खत्म। अब इसको याद कैसे करना वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ये आपके पास सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ये कौन है, ये आपके पास है सिग्मा 2pz, ये कौन है, पाई 2px, ये कौन है, पाई 2py, ये कौन है, पाई स्टार 2px, ये कौन है, पाई स्टार 2py, और ये कौन है, सिग्मा 2pz। ये डायग्राम है जो याद करना है, सिर्फ यहां पर फ्लिपिंग है और कहीं नहीं, बाकी सारा डायग्राम सेम है और कहीं भी फ्लिपिंग नहीं है। जिसको याद नहीं हुआ एक बार और दिखा देता हूं और इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। जरा आप देखो, ये वो डायग्राम है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ आप जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होंगे, इन दैट केस आपको सिर्फ यहां पर फ्लिपिंग करनी है। जरा देखो, यहां पर सिग्मा 2pz नीचे आ गया, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py ऊपर चले गए, सिर्फ यहां पर फ्लिपिंग है पिछले वाले डायग्राम से, बाकी सारा डायग्राम सेम है। यहां पर एज इट इज है, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और सिग्मा स्टार 2pz ऊपर है, यहां पर सेम है, नीचे वाले भी सेम है, सिर्फ यहां पर चेंज आएगा और कहीं नहीं। और इतना अगर आपको याद हो गया तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो शावा शावा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा। सो इन दैट केस सिर्फ इतना सा चीज है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, जरा आप ध्यान से चेक करना। नाउ कंपैरिजन कर लो दोनों डायग्राम का एक साथ, जिससे याद हो जाएगा। अब देखो पहले कंपैरिजन कर लो, ये देखो ये किसके लिए है, लेस देन 14, लेस देन इक्वल्स टू 14 के लिए, ये किसके लिए है, मोर देन 14 के लिए, ठीक है, वो 14 से कम के लिए, 14 से ज्यादा के लिए, कहां फर्क आ रहा है, ये तो सेम है, नीचे वाले तो सेम है, इससे नीचे वाले भी सेम ही होंगे, फर्क कहां आ रहा है, देखो ये देखो, सिर्फ यहां पर फर्क है, जो गोला ये सर्किल कर रहा हूं जरा उसको देख लो, बाकी सारा सेम है, यहां पर बस इतना फर्क है कि सिग्मा 2pz नीचे आ रहा है, पाई 2px पाई 2py ऊपर है, यहां पर क्या है, पाई 2px पाई 2py नीचे और सिग्मा 2pz ऊपर है, सिर्फ इतना फर्क है और कहीं फर्क नहीं है, बाकी सारा डायग्राम सेम है, ये भी सेम है।
अब किस किस को ये याद हो गया और कौन कौन चाहता है अभी भी सर कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो जिससे कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ दो डायग्राम याद कर रहे हैं और अगर आपने दो डायग्राम याद कर लिए आपकी एमओटी माशाल्लाह है, मतलब उसके बाद आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो किस किस को लगता है कि हाँ मुझे याद होगा और किस किस को लगता है नहीं बता, सर आप एक शॉर्ट ट्रिक बता दो। तो मेरे पास एक उसकी याद करने की गजब की शॉर्ट ट्रिक है, तो कौन कौन याद करना चाहता है, गजब की शॉर्ट ट्रिक कौन कौन देखना चाहता है, कंपैरिजन करके बता दिया मैंने कहां पे चेंज है। और अगर मान लो फिर भी आपको याद नहीं होता, सर बस 14 इलेक्ट्रॉन हो तो, अरे लेस देन इक्वल्स टू लिखा है ना, देख नहीं रहे बच्चे, आंखें खोल, तेरी चाइनीज आंखें कहां पर हैं, ये क्या लिखा है, पढ़, लेस देन इक्वल्स टू 14 तो ये डायग्राम फॉलो करना है, देख नहीं रहे, पता नहीं चाइनीज आंखें थी खुली नहीं, ये लेस देन इक्वल्स टू 14 में ये डायग्राम है, मोर देन 14 पे ये डायग्राम, बता तो दिया। कोई पूछ रहे सर 14 इलेक्ट्रॉन हो तो यही है, 14 इलेक्ट्रॉन में यही वाला डायग्राम फॉलो करना है, समझ में आया। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, अगर आप लोग शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हो तो मेरे पास एक गजब की शॉर्ट ट्रिक है। आप देखो वो शॉर्ट ट्रिक है, मैंने खुद ने बनाई है वो शॉर्ट ट्रिक, मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं, जरा आप उसको ध्यान से समझना, और अगर आपने वो शॉर्ट ट्रिक को समझ लिया आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि इनमें डायग्राम में कहां कहां पर फर्क आएगा। एक बात जरा समझना, आप जिंदगी का फलसफे पर चलते हैं, जिंदगी का फलसफा क्या है, क्या है कि जिसके पास कम होता है, समझ में आ गया, वो ऊपर बढ़ना चाहता है, जिसके पास कम होता है वो ऊपर जाना चाहता है, पर जिसके पास बहुत होता है ना, वो नीचे आना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है कि बहुत है, बहुत पैसा आप रहे हो, टेंशन नहीं है। तो जिसके पास कम है वो ऊपर जाना चाहता है, जिसके पास बहुत ज्यादा है वो नीचे आना चाहता है। इतना याद कर लोगे, जिंदगी का फलसफा है ना, मतलब समझो इसको, फलसफे को कैसे समझोगे, जिसके पास पैसों की बहुत कमी है वो पैसों के पीछे भागता है, जिसके पास बहुत पैसा है वो अध्यात्म में जाता है। भाई ठीक है भाई, नहीं ऐसा जनरली ऐसा होता है पर जरूरी नहीं है, बट नॉर्मली ऐसा होता है, जब बहुत पैसा है वो सोचता है चलो इनर प्रोग्रेस की जाए, आध्यात्म में जाया जाए, समझ में आ रहा है। लेकिन कई पैसों के भूखे होते हैं जो कंपनियां चेंज कर करके भागते रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो पैसों के इतने भूखे होते हैं कि अपने जो जिन्होंने उनको पाला है उन्हीं को धोखा दे देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत हैं डायरेक्टर कहते हैं अपने आप को, फुद्दू कंपनी के फुद्दू डायरेक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। सो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल जिंदगी की, नॉर्मल जिंदगी क्या कहती है, जो नीचे है वो ऊपर जाना चाहता है, जो ऊपर है वो अंदर जाना चाहता है, मतलब नीचे आना चाहता है, अध्यात्म में जाना चाहता है ना। तो मैं देखो बस इसी ट्रिक को यूज करूंगा, ध्यान से सुनो, इस ट्रिक को मैं यूज कैसे करूंगा, जरा आप ध्यान से चेक करना, इसी ट्रिक को यूज करूंगा। अब आप देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पहला डायग्राम है ये क्या है, इसके पास 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, सही है। अगर किसी के पास 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब कम है, कमी है, तो ऊपर जाना चाहेगा। ऊपर जाने का क्या तरीका, देखो यहां पर ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, ऊपर जाने वाला ट्राइंगल ही बन रहा है, ये क्या है, ऊपर इंडिकेट कर रहा है, दो नीचे एक ऊपर, ट्राइंगल के दो पॉइंट नीचे एक पॉइंट ऊपर है, इस पे ट्राइंगल के दो पॉइंट नीचे और एक पॉइंट ऊपर है, ये ऊपर जा रहे हैं, है ना, मजे की बात। जिसके पास कमी है वो ऊपर जा रहा है, समझ में आ गया, और जिनके पास बहुत ज्यादा है, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, वो नीचे आना चाहेंगे, कैसे, ये देखो ट्राइंगल उल्टा हो गया, आहा क्या ट्रिक दी है सर, उल्टा हो गया ट्राइंगल, ये देखो ये अभी भी ऊपर ही है, ये उसको नीचे खींच रहा है, ये क्या है, ये अध्यात्म है जो बोलता है कि भाई बहुत उड़ लिए नीचे आ जाओ, तो ये उल्टा हो जाता है उस टाइम पे। तो जरा देखो इसमें आपके जीवन का फलसफा छुपा हुआ है, जिसके पास पैसों की कमी होती है वो पैसों के पीछे भागता है, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, पर जिसके पास पैसों की कमी नहीं होती वो क्या सोचता है, वो कहता है उसके लिए जो अध्यात्म का ट्राइंगल है वो उल्टा हो जाता है, वो कहता है चलो अंदर जाओ, नीचे जाओ, तो ये ऊपर भाग रहा है मन, ये अंतर मन है जो ऊपर ही भाग रहा है, बट ये उल्टा हो गया, बोले कि चलो अब अंदर चलो। दिस इज द ट्रिक, सिंपल। और अब आपको याद रहेगा अगर 14 से कम है, कमी है, तो दोनों ट्राइंगल ऊपर की तरफ मूव किए हुए होंगे, और अगर 14 से ज्यादा है तो उसमें ये वाला ट्राइंगल ऊपर की तरफ होगा लेकिन ये वाला ट्राइंगल उल्टा हो जाएगा, अंतर मन वाला अध्यात्म की तरफ जाएगा, समझ में आ गया। ये सिंपल सी ट्रिक है, जिंदगी का फलसफा है जो मैंने खुद ने बनाया, किस किस को याद हो गया ये, अब तो याद हो गया होगा, बट ओवरऑल मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरी बच्चों मेरे बात ध्यान से सुनना, यहां पर सिंपल है, जरा आप देखो कम इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ट्राइंगल ऊपर है, समझ में आ गया, ये भी ऊपर वो भी ऊपर, लेकिन अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एक ट्राइंगल नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये अभी भी ऊपर ही है, ये अंतर मन वाला नीचे आ गया। तो ये ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैं आपको दे रहा हूं मेरी तरफ से, किस किस को याद हो गया, ये दोनों शॉर्ट ट्रिक से अब तो आपको बराबर याद हो गया होगा, जिस जिसको याद हो गया से यस सर, याद हो गया, बल्ले बल्ले याद हो गया, किस किस को याद हो गया जल्दी से बताओ, अमेजिंग है ना ट्रिक, ऐसी ट्रिक आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगी, तो फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ किस किस को याद हो गया, चैट सेक्शन में लिख के बताओ किस किस को याद हो गया।
बल्ले बल्ले याद हो गया, चक दे फट्टे नप दे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम नू दिल्ली, थुथु फुद्दू कंपनी, थुथु फुद्दू कंपनी का डायरेक्टर। आज हंसी आ रही है मेरे को, चीटर है चीटर को एक नंबर का। चलो चलते हैं आगे, अब चलते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक से आगे चलते हैं, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। यस, बहुत बढ़िया। चलो अब अपन चलते हैं एप्लीकेशन पार्ट की तरफ, एमओटी का एप्लीकेशन पार्ट। सो एमओटी का एप्लीकेशन पार्ट क्या है जरा देखो, एमओटी का एप्लीकेशन पार्ट देखो। एमओटी के थ्रू आप बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर जान सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, मैं आपको भी बताऊंगा कैसे जानते हैं। MO3 के थ्रू आप स्टेबिलिटी पता कर सकते हो, MOT के थ्रू आप नेचर ऑफ बॉन्ड बता सकते हो, MOT के थ्रू कितना हार्ड है, MOT के थ्रू आप बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हो, और MOT के थ्रू आप मैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हो। ये सारी चीजें आप MOT से बता सकते हो। अभी कैसे बताते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो एक एक करके सबसे डील करते हैं, अब ये लास्ट आर्टिकल है, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। तो चलो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है अगर किसी को नहीं पता, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। जैसे कि अगर मैं बोलूं फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में कितने बॉन्ड है, एक, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, एक। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, दो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, दो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड है, तीन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, तीन। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, दैट्स वेरी सिंपल। इन दैट केस आपको सिर्फ इतना करना है, जरा ध्यान से देखो, दिस इज द फॉर्मुला यू हैव टू रिमेंबर और मगअप। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टू। अब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, जो सिग्मा में भरे जाएंगे, जो पाई में भरे जाएंगे, है ना, बट जो सिग्मा स्टार और पाई स्टार में भरे जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, एंटी बॉन्डिंग। जो नीचे होते हैं वो बॉन्डिंग वाले होते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग वाले माइनस कर दो, उसको दो से डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। सबको समझ में आ गया। सो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टू, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टू, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर। इज दिस क्लियर? या तो ये होता है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। मान लो आपको नहीं, ये फॉर्मूले से नहीं निकालना और सिंपल तरीके से निकालना है, सो आई हैव अ ट्रिक। तो चलो ट्रिक की तरफ चलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। ये ट्रिक वाली एक टेबल है, पर ये कब समझ में आएगी, जब मेरे कॉन्सेप्ट पे आप लोग ध्यान दोगे। मैं आपको बोलता हूं आप नाइट्रोजन की तरफ गौर से देखो, नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14। ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14। और आपको भी पता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है, 3। इतना तो आप याद कर लोगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। बस उसी को धार बनाओ इस टेबल की, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। सही है? तो अब क्या करना है, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे आओ, आपको 0.5 का अंतर करना है बॉन्ड ऑर्डर में। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है, तो आपको मैं दिखाता हूं। देखो 14 से मान लो किसी के पास 13 ही इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन 13 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5। 12 है तो 2, तो मैं ऊपर जाने के लिए क्या कर रहा हूं, 0.5 को घटा रहा हूं, 0.5 से घटा रहा हूं। 11 है तो 1.5, 10 है तो 1, तो यहां से ऊपर की तरफ माइनस का 0.5 कर रहा हूं और कुछ नहीं। समझ में आया? नीचे भी ऐसे ही करूंगा, नीचे भी जाऊंगा तब भी मैं माइनस का 0.5 करूंगा और कुछ नहीं। समझ में आया? मतलब टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। 2.5 का क्या मतलब है, उसमें दो बॉन्ड तो पूरे होंगे, एक बॉन्ड आधा होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2, यानी कि दो बॉन्ड बनेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है तो 1.5 और 18 है तो 1। तो ये सिंपल सी टेबल है, किस किस को याद हो गई, और मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, दैट्स वेरी इजी। चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, यू हैव टू माइनस, यू हैव टू डू नो सब्सट्रैक्शन ऑफ 0.5, सब्सट्रैक्शन ऑफ 0.5, चाहे 14 से ऊपर जाओ चाहे 14 से नीचे आओ। किस किस को ये टेबल याद हो गई, चैट सेक्शन में लिख के बताओ, फटाफट से लिख के बताओ चैट सेक्शन में, किस किस को ये टेबल याद हो गई, याद हो गई सबको। और ये मैं निकाल के दिखाऊंगा, चाहे आप निकाल के देख लो। चलो सपोज करो कि आपसे पूछा गया, पूछता आपसे कि B2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, B2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर BO यानी बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो B2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। समझ में आ गया? तो इसका आंसर कितना होगा, 1, खत्म। अगर कोई पूछे मान लो कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16, तो देखो 16 के हिसाब से कितना है, 2। आ गया समझ में? ऐसे आंसर निकालना है, टेबल से आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इस तरह से निकालना है। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात आती है स्टेबिलिटी। देखो सिंपल सी बात है, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। अब जरा सोचो कि दो आदमी एक दूसरे को एक रस्सी से पकड़े हुए हैं और वही एक दूसरे को दो रस्सी से पकड़े हुए हैं, वही एक दूसरे को तीन रस्सी से पकड़े हुए हैं, तो मजबूती कहां ज्यादा होगी? तीन रस्सी वाले में ज्यादा होगी। समझ में, मतलब जरा समझो कि जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उसको तोड़ने में उतना ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको ये तो पता ही है यार कि यहां पर सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है जबकि डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या मतलब हुआ, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। अब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा कब होगा? जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तब होगा जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। ये कहां से आया? ये आया इस फॉर्मूले से। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हो तो तरीका क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। जब ये इससे ज्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा, और जितना ज्यादा होगा उतना ही पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब वो स्टेबल होगा। ठीक है, पर जब आपके पास, जरा चेक करना, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, थोड़ा इसको करेक्ट कर देता हूं मैं। जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होंगे तो स्टेबल होगा, बट इसने थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये ए और बी में फर्क आ गया। पर जब आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले ज्यादा होंगे। एंटी बॉन्डिंग का क्या मतलब है? बॉन्ड बनाने में सपोर्ट ही नहीं कर रहे। जब बॉन्ड बनाने में सपोर्ट ही नहीं हो रहा तो वो क्या होगा? अनस्टेबल। और मजे की बात, जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के बराबर भी होंगे ना तब भी वो अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जितने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही एंटी बॉन्ड बनाने में, एंटी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड स्टेबल कब होता है? बॉन्ड स्टेबल तभी होता है जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एंटी बॉन्डिंग से। ये आपको ध्यान रखना है। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो कि एंटी बॉन्डिंग में भरे जाते हैं। समझ में आ गया? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। स्टेबिलिटी बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का क्या मतलब है। जरा आप इसको चेक कर लो, ये दो एग्जांपल दिए हैं, जरा आप चेक करो। मान लो अपन है ना H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब आप लोग बताओ कि H2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दो। एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो दो में दो हुए। अब दो इलेक्ट्रॉन को भरोगे कैसे? जरा देखो, पहले अगर आपने इसका 1s लिया, इसका 1s लिया, तो एनर्जी डायग्राम कैसे बनेगा? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इतने में खत्म हो जाएगा। दो ही इलेक्ट्रॉन भरने, तो ऊपर वाला क्यों बनाए? तो दो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? दो इलेक्ट्रॉन भरोगे ओ बाओ प्रिंसिपल के हिसाब से। नीचे की एनर्जी कम है तो यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। आगे समझ में? अब देखो सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? दो। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने? जीरो। तो यहां पर अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाऊं तो क्या होगा? दो माइनस जीरो डिवाइड बाई टू, तो वन आया। और आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में एक ही बॉन्ड होता है, जानते हो। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? वन। सही था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है हीलियम 2। क्या ये एग्जिस्ट करता है? जरा चेक करते हैं। हीलियम 2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? चार। कैसे भरोगे? अगर हीलियम एक हीलियम का, ये हीलियम है, अगर एक हीलियम का 1s लो और दूसरे हीलियम का 1s लो तो आपस में मिक्स करके क्या बनाएंगे? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, बना लिया। अब टोटल चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं क्योंकि एक हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो के पास कितने होंगे? चार। दो नीचे भरे, दो ऊपर भरे। बॉन्डिंग में कितने हैं? दो। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? दो। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? दो माइनस दो, यानी कि जीरो। इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अनस्टेबल है। आगे समझ में? इस तरह से निकालते हैं। तो ये तरीका होता है। यहां पर अगर कोई पूछे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड की। अगर सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड, और बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब लास्ट आर्टिकल, मैग्नेटिक बिहेवियर। आप MOT के थ्रू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप मैग्नेटिक बिहेवियर को चेक कर सकते हो। मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरह का होता है। एक तो होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कब होता है? कोई भी मॉलिक्यूल जब उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, यानी कि ऐसे। एक होता है पैरामैग्नेटिक, मतलब डायमैग्नेटिक रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन फील करता है। एक होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कब होती है कोई स्पीसी? जब उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि ऐसा। कुमारा, ये शादी हो गई, ये कुमारा है, शादी होगी तो वो डाया है, शादी नहीं हुई है तो वो पैरा है। तो इन दैट केस वहां पर अट्रैक्शन फील होता है,
एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील करता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसका पता कैसे करोगे, दैट्स वेरी सिंपल, मैं सिंपल ट्रिक बताता हूं। मतलब आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि उसके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अगर सारे के सारे पेड है तो ठीक है, और अगर एक भी अनपेड है तो वो क्या होगा, पैरा। अगर सारे पेड है तो वो डाया। अब मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ओड इलेक्ट्रॉन हो, ओड मतलब, ओड का मतलब क्या होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में ओड इलेक्ट्रॉन, ओड का क्या मतलब है, 11, 9, 7, 5, 5, 9, 7, 11, 13, 15, 17, 19, ये ओड, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो पक्का उसमें, अगर कोई ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो पक्का अनपेयर हो गई, तो वो पैरामैग्नेटिक होगी। इसके अलावा यहां पर दो स्पेशल केस हैं, ये दो हैं, ये 10 और 16 वाले, ध्यान से सुनना। अगर किसी के पास ओड इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो या फिर 16 हो, 10 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, B2 में, और भी कईयों में होते हैं बताऊंगा, 16 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, O2 में। तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, B2 और O2 दोनों क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब एक क्यों होते हैं, मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूं, आई हैव अ प्रूफ, मेरे पास प्रूफ है उसका, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं थोड़ी देर में। और अगर इनके अलावा बाकी जितने भी है वो सब क्या होंगे, डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होंगे, बाकी सब डायमैग्नेटिक होंगे। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। सर आप कहोगे सर B2 में तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या O2 में तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो पैरा कैसे हो गए, हालांकि मैंने प्रूव करके दिखाया था, पर MOT भी उसे प्रूव करती है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, MOT भी उसे प्रूव करती है, पर ये शॉर्ट ट्रिक किस किस को याद हो गई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ओड होंगे, 10 होंगे, 16 होंगे, तो वो पैरा होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, डाया होगा, खत्म कहानी, समझ में आ गया, इवन एक्सेप्ट 10 and 16 डाया होगा। आ गया समझ में, इज दिस क्लियर, ये शॉर्ट ट्रिक किस किस को याद हो गई। अब मैं इसको प्रूव भी करके दिखा सकता हूं, कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, इधर ही प्रूव करके दिखाता हूं। आप लोग मुझे बताइए कि जो B2 मॉलिक्यूल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, 10 का मतलब क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 14, तो मैं डायग्राम कौन सा फॉलो करूंगा, कमी है तो दोनों ट्रायंगल ऊपर बनेंगे, तो आपको दिखाता हूं, मैं इसका डायग्राम ऐसा बनाऊंगा, ये आपके पास क्या है, σ1s, ये क्या है, σ*1s, ये क्या है, σ2s, ये क्या है, σ*2s, सही है, आपको दोनों ट्रायंगल ऊपर बनने चाहिए, π2px, ये है π2px, ये कौन है, π2p, ये π2py, और ये कौन है, σ2pz, डायग्राम याद है, उसके ऊपर वाला बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने ऑर्बिटल बना दिए तुमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, मैं 10 ही भरने, तो मैं ऊपर वाला क्यों बनाऊं, क्यों अपना दिमाग खराब करूं, अब भरो इसके अंदर, चलो टोटल यहां पर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तुम्हें 10, B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10, भरो 10, 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे, कैसे भरोगे, ये 1, ये 2, सबसे पहले इसमें 2 क्यों भरे, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर ऊपर आओ, ये 3, ये 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, यहां पर कौन सा रूल लगाया, हुंड रूल, इक्वल एनर्जी में आप एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे। अब आप बताओ इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, किस किस को समझ में आ गई, और क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, आया समझ में, तो जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है। किस किस को प्रूफ आ गया समझ में कि कैसे प्रूफ करना है, अब आ जाओ मेरे को ये बताओ ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बट ये कौन से है, एंटी बॉन्डिंग, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है, ये कौन से है, बॉन्डिंग, ये कौन से है, एंटी बॉन्डिंग, ये कौन से है, बॉन्डिंग। अब इनको अपने को पता है कि 10 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे आएगा। अगर यहां पर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, मैं यहां निकालता हूं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 4, ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं जिनमें स्टार नहीं लगा होता, ये है σ1s, ये σ2s, ये π2px, π2py, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 2, 4, 2, 6, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग को पकड़ो, ये एंटी बॉन्डिंग है स्टार 2 इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग है स्टार, समझ में, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1, तो आप 10 में 1 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, दैट्स वेरी इजी, किस किस को समझ में आ गया कि किस तरह से निकालते हैं। अगर टोटल, अब ये 16 वाला आप लोग होमवर्क में करोगे, दिस इज अ होमवर्क, वैसे मैं आपको अभी दिखा दूंगा,
ठीक है। तो 10 और 16 वाले क्या होते हैं बेसिकली, 10 और 16 वाले बेसिकली कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। और ऑड 10 16 के अलावा जितने भी हैं सब क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक। समझ में आया? चलिए तो अब मैं आपको दिखाता हूं, आगे लेके चलता हूं, मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया। अब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, दैट्स वेरी सिंपल। बॉन्ड लेंथ इज एंटी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ऑब्वियसली जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसकी लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड में कम, ट्रिपल बॉन्ड में और कम। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जाएगा बॉन्ड लेंथ घटते जाएगी, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो बॉन्ड लेंथ 153.5 होती है, ये रट्टा नहीं मारना। बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो लेंथ और कम हो जाती है। आ गया समझ में? दैट्स वेरी सिंपल और ये तो हम बचपन से जानते हैं। अब एक लास्ट, अब मैं आपको सारे मॉलिक्यूल दिखा देता हूं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं। देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है लाइन, इसके पहले तक 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल हैं। कौन से हैं? 14 से कम वाले। ये देखो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। यहां पर कितने हैं, 12। यहां पर कितने हैं, 14। 14 या 14 से कम यहां है। यहां पर कितने हैं, 14 से ज्यादा वाले, 16, 18। यहां पर कितने हैं, 20, है ना। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? देखो 14 से कम वालों में कौन सा डायग्राम फिल करना है आपको, कौन सा डायग्राम करना है, याद है आप लोगों को? कौन सा वाला, कौन सा वाला? ये देखो ये ट्रायंगल वाला डायग्राम याद है, ये ट्रायंगल ऊपर होगा, ये स्टार नहीं है, यहां पर थोड़ी गलती है डायग्राम को, ये थोड़ा गलत बना हुआ है डायग्राम, नहीं ये सही बना हुआ है, रुको, नहीं सही बना हुआ है, सही बना हुआ है, सही बना हुआ है, रुको, सही बना हुआ है, गलत नहीं है, क्योंकि वो नीचे वाले जो है ना उन्होंने सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है लिया ही नहीं, ठीक है, उसको छोड़ दिया उन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन भरने होते। क्या क्या लिया इन्होंने, सिग्मा 2x, सिग्मा स्टार 2x लिया, उसके बाद क्या लिया, पाई 2p, ये x है ये y है और ये सिग्मा 2pz। अभी भी इन्होंने यही ट्रायंगल बनाया था देखो, और यहां पर भी यही ट्रायंगल बनाया, बनाया ऊपर जाने वाला ट्रायंगल। समझ में आया? सब में ऐसा ही किया है, ये देखो ये ऐसा ही किया है। किस किस को समझ में आ गया? ये 14 से कम वाले हैं जो ऊपर ही जाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरो, B2 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन था, कैसे भरोगे? 1s और सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s छोड़ दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन नीचे भर दिए, वो छोड़ दो, उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा ही है ना, बहुत ज्यादा है। 10 इलेक्ट्रॉन में 4 तो भर गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया? तो एक ऐसा पैरा। अगर C2 की इलेक्ट्रॉन पर बात करें तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे भरोगे? 4 इलेक्ट्रॉन तो नीचे भर दिए सिग्मा 1s से सिग्मा स्टार 1s में, ये क्या है, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 12 भर रहे हैं, 4 और हैं, फिर 9, 10, 11, 12, इनकी एनर्जी कम है तो इनको पहले भरोगे, हुंड रूल लगाओगे। क्या इनके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, तो ये क्या है, डाया। C2 कैसा होता है, डाया, 12 वाला डाया ही होगा क्योंकि वो इवन नंबर है। अब 14 वाले पर आ जाओ, 14 को कैसे भरोगे? 4 इलेक्ट्रॉन तो नीचे भर दिए सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, ये क्या है, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन, ये है पाई 2px पाई 2py 2, 2, 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो नीचे भरे थे, ये 4 और हो गए 8, ये 4 हो गए 12, 2 बचे, वो कहां आ रहा है, सिग्मा 2pz के अंदर आ रहा है। क्या इनमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, सारे के सारे पेयर्ड है, खुद भी भर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर जो टोटल ये N2p क्या होता है, डायमैग्नेटिक। इसी तरह से अब O2, अब डायग्राम चेंज हो जाएगा। देखो ये एरो नीचे है, ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है, और ये एरो ऊपर है। अब आप इलेक्ट्रॉन भरो, वो हुंड रूल, ओवबाउ रूल लगाते जाओ, दैट्स वेरी सिंपल। तो इन दैट केस ये देखो, ये भी डायग्राम ऐसे है और ये वाला ऐसे है, ये भी ऐसे ही है, देखो ये वाला ऐसे है और ये वाला ऐसे है, दिखाई दे रहा है? तो ये सेम डायग्राम फॉलो करने हैं, आप किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, दैट्स वेरी इजी। और शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूं, सो दिस इज हाउ यू कैन। चलो मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, दो स्पेशल एग्जांपल देता हूं जो आपको ध्यान रखने है। लेस देन इक्वल्स टू 14 में अपन एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन का, कैसे भरोगे जरा आप चेक करो। इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से भरे जाएंगे आपके सामने, पूरा डायग्राम देख लो, ये 1s 1s, ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा रहे हैं देख लो, ये 2s 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये है 2pz 2py 2px, ये भी है 2px 2py 2pz, और डायग्राम कैसा होना चाहिए, ऐसा वाला, दो नीचे एक ऊपर, दो नीचे एक ऊपर, याद है? और इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा रहे हैं आपके सामने, ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है, ध्यान से देख लो, अमेजिंग एनिमेशन है जिससे पूरा समझ में आता है इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा रहे हैं। जिस जिसको क्लियर हो गया चैट सेक्शन में लिखो, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि वाकई में इसका मतलब क्या होता है। चैट पे तुम्हारी फट गई है, कोई नहीं लिख रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग,
सिर्फ दो या तीन बच्चे हैं, इतना बढ़िया एनिमेशन है, बिना खाए बोले जा रहा हूँ, मेरा पैकेट भी नहीं खुला और तुम लोग यहाँ पर एक तारीफ भी नहीं लिख सकते हो। होर दस किनिया तारीफा चाहिदिया तेनू, नहीं कोई कह रहा है सर रिपीट कर दो, बेटा रिपीट ये सेशन ही रिपीट हो जाता है अपने आप ही, दोबारा देख लेना एक ही चीज को कितनी बार बताएंगे बेटा, इतना आसान है। हाँ ये तो दांत दांत से काट लूँ हिल नहीं रहा यार, दांत से काटने का मन नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, अरे ऐसे कट नहीं रहा और भूख लग रही बहुत जोर से। चलो तो अब चलो जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, 14 से कम वाला, और दैट्स वेरी सिंपल, आप बैठ के खुद से करो इसको। इतना थ्योरी समझाने के बाद भी बोलता है रिपीट, तो बेटा तुम्हें लालत है, सच बता रहा हूँ, अमेजोन से लाल चड्डी खरीद लो और नीली पैंट पे पहन के उड़ो, और कुछ नहीं हो सकता। ये तो फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच गए, फिर भी तुम पूछते हो सर रिपीट क्या करोगे बेटा तुम, अगर मान लो 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये मैं खुद करके दिखा देता हूँ, चलो ठीक है कैसे करोगे देखो। अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ऑक्सीजन में होते हैं टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, तो डायग्राम ही तो याद करना है क्या इसके अंदर। ये देखो नीचे नीचे क्या बनाओगे, सिग्मा 1s, उसके ऊपर क्या बनाओगे, सिग्मा स्टार 1s, क्या है इसमें, फिर उसके बाद क्या बनाओगे, सिग्मा 2s, फिर उसके बाद क्या बनाओगे, सिग्मा स्टार 2s। ऑर्बिटल तो बनाओ तुम, बॉन्ड सिर्फ मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना लो, बॉन्डिंग छोड़ दो, ये तो याद खुद ही बना सकते हो, क्या है इसमें। फिर उसके बाद क्योंकि 16 से ज्यादा है तो इन दैट केस उल्टा वाला बनेगा, तो कैसे, ये आपके पास सिग्मा 2pz और दो ऊपर बनेंगे उल्टा ट्रायंगल, ये क्या है पाई 2px, ये पाई 2py, याद आया या भूल गए हो, ये उल्टा हो गया ट्रायंगल, ऊपर वाले में सीधा ट्रायंगल बनाना है, ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और ये आपके पास सिग्मा 2pz। ये डायग्राम है टोटल, क्या इतना डायग्राम याद करने में, क्या रिपीट करूं, बहुत बार रिपीट करा लेते हो तुम लोग एक ही चीज को, क्या तो तुम लोग यार, बड़ा अफसोस होता है मेरे। ये डायग्राम है, अब भरो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 16 भरो, 16 इलेक्ट्रॉन भरो, भरो 16 इलेक्ट्रॉन, ये एक ये दो ये तीन ये चार ये पांच ये छह ये सात ये आठ, आठ इलेक्ट्रॉन तो भरे गए, भर गए, अब आठ और भरने, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये लो क्या था इसमें। बच्चों के जैसा खेल है, जिसने ढंग से सीखा है उसके लिए कुछ भी नहीं है ये, सच बता रहा हूं, ये टोटल 16 इलेक्ट्रॉन भरे। आप देखो यहां पर आप इसमें से सब कुछ निकाल सकते हो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक, दिख रहा है 2, ये देखो। अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पकड़ो, ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये 2 बॉन्डिंग, 2 4 बॉन्डिंग, 2 6 बॉन्डिंग, 2 8 बॉन्डिंग और 10 बॉन्डिंग, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लो। एंटी बॉन्डिंग पकड़ो, ये एंटी बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 2 4 और ये 2 एंटी बॉन्डिंग 6 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया, 4/2 कितना होता है, 2। सबको पता है ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, 2 बॉन्ड होते हैं, क्या था ये, दैट्स वेरी सिंपल। अब इसी के लिए बच्चे बोलते हैं रिपीट सर रिपीट, कईयों को आदत होती है, कईयों को वो कल को उनकी शादी हो रही है ना, पंडित जी कहेगा ओम मंगलम 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 ओम मंगलम, वो बाद में पूरे 7 चक्कर काट के भी पंडित जी रिपीट नहीं थका देगा, सारी रात थका देगा वो चक्कर काटते काटते, पत्नी को भी ये कहेगा, होने वाली पत्नी को 4 चक्कर रिपीट, ओ सॉरी 7 चक्कर रिपीट नहीं पंडित जी को, पंडित जी रिपीट, पत्नी को भी ये बोलेगा 7 चक्कर रिपीट, उसको आदत होती है रिपीट बोलने की, क्योंकि बचपन से ही आदत पड़ी है, उसको लगता है कि पहली बार में तो मेरे को कोई काम करना ही नहीं है, मुझे तो पहली बार में कोई ढंग से काम करना ही नहीं है, वो काम जो होगा ना बेसिकली ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ओवरऑल डायग्राम है, जरा देखो ये भी एनिमेशन से बनाया हुआ है, सेम डायग्राम है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, दैट्स इट और कुछ नहीं है, तो क्या है इसके अंदर, बार बार बोलो रिपीट रिपीट रिपीट। अब चलो फाइनली ये मतलब निकलता है, फाइनली एक और टॉपिक बच रहा है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपके पास एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और वो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा हो, और फिर वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड बनाता है। मैं इसका मतलब और अच्छे तरीके से समझाता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली एक तरह का वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ना, बट उन वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है, ये फोन
एक फ्लोरीन जिसने हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूल बना रखा हो, एक ऑक्सीजन जिसने हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूल बना रखा हो, या नाइट्रोजन जिसने हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूल बना रखा हो, जैसे HF, जैसे H2O, जैसे कि अमोनिया। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं कैसे, ये HF का एक मॉलिक्यूल है सपोज, और ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल है। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है, तो इंटर मॉलिक्यूल ये आपस में ही अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसी को क्या बोलते हैं, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ गया। अब जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूल ही बने, वो इंट्रा मॉलिक्यूल भी बन सकता है। समझ में आया। तो सिर्फ तीन ही एटम है जो कि हाइड्रोजन के साथ अगर मॉलिक्यूल बना के रखे हैं तो वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं होता। तो ये ध्यान रखिए आप, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब जैसे वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट काफी ज्यादा मजबूत होता है, जिसमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखा होता है। अब ऐसे जैसे HF का एग्जांपल लिया और आपस में जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमेजिंग। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अमोनिया भी कर सकता है। अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। HF भी एग्जांपल है और वाटर एग्जांपल है, मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में, ये एक पानी का मॉलिक्यूल ये दूसरा पानी का मॉलिक्यूल, और इन्होंने आपस में क्या कर रखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है दो मॉलिक्यूल के बीच में। एक आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर भी होती है। इंट्रा मॉलिक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। कैसे पॉसिबल है, मान लो आपने नाइट्रोफिनोल ले लिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, क्या लिया है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल लिया। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल अगर आप ले लो, जरा देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में यहां पर ये NO2 होगा, सही है, ये वहां पर दिखा गल सही दिखाया, सही दिखाया, ठीक है, NO2 होगा यहां पर, और यहां पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या OH भी होगा, होगा कि नहीं होगा, सही है। अब आप देखो इंटर मॉलिक्यूलर क्या, ये हाइड्रोजन और सामने वाले को मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो ये आपस में अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो यही है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। समझ में आया। बेसिकली ये कोई यूनिट नहीं है, ये OH है, फिनोल है, और ये नाइट्रो ग्रुप है, बट ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर, बहुत बढ़िया। सो फाइनली हमारा चैप्टर अब खत्म हो गया, केमिकल बॉन्डिंग वी हैव फिनिश्ड टुडे। अब कुछ सवाल करते हैं और फटाफट आप लोग जवाब दोगे, खत्म होने वाला। पहला सवाल, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, थ्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं। कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। एंड दैट्स वेरी सिंपल, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। समझ में आ गया, अमेजिंग। अब दूसरे पर चलते हैं, तो मैं आपको पहले बता चुका था 1s 1s, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनाएंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO मॉलिक्यूल, आपको बताना है कि NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। चार ऑप्शन देता हूं आपको, एक, दो, 2.5, ढाई या तीन, जल्दी से बताओ। एक, दो, ढाई, तीन। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO, NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, जल्दी से बताओ। NO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इसमें 8, इसमें 7, 15, देखो 14 के हिसाब से 3 होता है, तो 15 के हिसाब से क्या होगा, 2.5। आंसर क्या बनेगा, 2.5। ना लाइको, कौन बोल रहा 3 होगा, तुम्हें काउंटिंग नहीं आती। 14 के हिसाब से 3 होता है तो 15 के हिसाब से कितना होना चाहिए, 2.5, घट जाएगा ना 0.5 से। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, 7 और 8 कितना होता है, 15, तो 2.5 आएगा ना आंसर। इतना आसान सवाल था। अगले सवाल पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज द लीस्ट स्टेबल, इनमें से सबसे कम स्टेबल कौन है, O2, O2 माइनस 2, O2 प्लस एंड O2 माइनस। लीस्ट स्टेबल का क्या मतलब है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा, खत्म कहानी, ठीक है। अब सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो आप, कैसे निकालोगे, O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2, O2 माइनस 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16 और 2, 18, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1। जाओ टेबल को रेफर करो जो मैंने आपको दिखाई थी, 16 में 2 होता है, 17 में 1.5, 18 में 1,
O2 माइनस वन की बात करते हैं, O2 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17, तो ये कितना हो गया? 1.5। O2 प्लस में आते हैं, 16 में से एक चला गया, 15, तो एक 2.5। तो सबसे कम, लीस्ट पूछा है ना, लीस्ट पूछा है, सबसे कम किस में आ रहा है? डी में। आंसर क्या बनेगा? नहीं, डी में कहाँ आ रहा है, बी में आ रहा है ना, वन देखो ना, वन बी में आ रहा है, ये नहीं है, आंसर बी है, क्योंकि बी में 18 में तो वन ही है, ये तो 1.5 है, तो ये हुआ ना सबसे कम। तो ये है हमारा आंसर, वाह, दिस इज आवर आंसर बच्चों। सो फाइनली आंसर क्या है? बी माने बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे आंसर बनेगा, मैंने आपको बताया था। अगले सवाल पर चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? O2 माइनस, NO, AB या फिर CN माइनस। तो क्या करोगे? पैरामैग्नेटिक पूछा है, पैरामैग्नेटिक कौन होता है? जिसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16 और एक 17, ये क्या होता है? ओड, तो ये क्या हो गया? पैरा, ठीक है। NO टोटल इलेक्ट्रॉन 15, ये है ओड, तो ये कैसा हो गया? पैरा, दोनों पैरा है, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? ए बी दोनों, आंसर होगा सी। सी एन माइनस में देखो, इसमें 6 होते हैं, 7 6 15 और एक 16, तो 16। अरे अमेजिंग, ये भी आंसर होना चाहिए, सी एन माइनस भी तो होना चाहिए। अरे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना, सी एन माइनस में कितने होते हैं? सी एन माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कार्बन में होते हैं 6, 7, 7 6 13 होते हैं ना, शिट मैन, 7 13 और एक 14 हुए ना, 14 हुए ना, 16 कहाँ हुए, मेरे को गिनती नहीं आती, तो ये 16 थोड़ी हुआ है, आई एम सो सॉरी, ये 6 है, ये 7 है, 7 6 13 और एक 14, तो ये भी क्या हुआ? ये बेसिकली आंसर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर इसका क्या बनेगा? सी माने कैटवा, कैटवा माने बिल्लीवा। अगला सवाल, पांचवा सवाल, ओके। सो फाइनली, अच्छा पीछे कुछ दिया हुआ था, मैं देख लेता हूँ, रुको, हाँ ये 14 इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है। अब अगले सवाल पर चलो, द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एस टू माइनस, एस टू माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होएगा? एस टू माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? एस टू माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? एस टू में होते 2, एस टू माइनस में 3, 3 इलेक्ट्रॉन भरने, कैसे भरोगे? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भरोगे? तो देखो यहां पर आंसर आपको बताना है, क्या ये होगा? 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ए रे, देखो ये 2 है और ये 2 है, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, 4 हो गए, तो गलत है, हमको तो 3 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। आ जाओ, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 1, तो 2 रे कितने हुए? 3, आंसर हो गया, है ना। इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन सीधे 1s में 3 इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं सकते, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, आंसर क्या बनेगा इसका? सी माने कैटवा, कैटवा माने बिल्लीवा। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, बहुत बढ़िया, तो 5 क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया। कल आपका ये होमवर्क है, जो आप मुझे सोशल मीडिया पे भेज देना, राइट दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर F2, F2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको लिखना है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, इनमें से कौन है जो डायमैग्नेटिक है? सो दैट इज द क्वेश्चन ओनली, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, जो डायमैग्नेटिक आपको बताना है, He2+, Hg2, ये आपका ओवरऑल ये है क्वेश्चन जो आपको सोल्व करना है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। एंड फाइनली नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? मेंटी क्विज करेंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पूरा खत्म हो चुका है, वी हैव फिनिश्ड केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। सो अब अगले सेशन में केमिकल बॉन्डिंग के मेंटी क्विज होगा, कल रेडी रहना, जिसने केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर लिया कल आपको बहुत मजा आएगा। तो अगले सेशन मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टिल देन आपको क्या करना है? दैट्स वेरी सिंपल, आपको अगर प्रो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो गोल्डन चांस है, यू कैन गो एंड टेक इट, ओके। 12 महीने 2800 पर मंथ, यही फीस है इसकी, यू कैन ग्रैब इट, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ए प्रो कूपन कोड है, जाओ और फटाफट से करो, है ना, ज्वाइन। एंड आप लोग याद रखिएगा, विजिट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, कूपन कोड ए प्रो, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और फाइनली ए प्रो अगर आप कूपन कोड लगाते हैं तो इन दैट केस 8400 ये है फीस में आपको रिडक्शन मिल जाएगा, और 33,600 रुपीज आपको फी पे करनी पड़ेगी। सो ये पेमेंट आप किसी के थ्रू भी कर सकते हो, आप जो भी नेट बैंकिंग कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी, एंड यू हैव टू ज्वाइन इट बच्चों, काम आएगा तुम्हें, प्रो सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ते में मिल रहा, मंथन बैच भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, 19 अक्टूबर को शुरू हुआ है ना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वेदांतु नीट ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप जरूर कर लो, क्योंकि वहां पर हम लोग सारी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एंड फाइनली जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, वेदांतु नीट मेड इजी, ये अपना चैनल अपने परिवार है, और इसे हमें सब्सक्राइब करना है और आगे बढ़ाना है ना, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सो अमेजिंग मेरे प्यारे बच्चों, आज तो केमिकल बॉन्डिंग खत्म करके बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है कि हमने 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर लिया. दैट्स रियली अमेजिंग. चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल. दिस इज अरविंद दौड़ा साइनिंग ऑफ. टेक केयर, बाय बाय, सी या. मिलते हैं अगले चैप्टर में. लेकिन कल मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा. कल मेंटी क्विज करेंगे, ठीक है. चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू, बाय बाय.